यामिनी मन ही मन खुद से बड़बड़ाती है, ये कंचन नाम तो कहीं पर सुना सुना लग रहा है, पर कहाँ। यामिनी इस बारे में ज्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है। दीप्ति, कंचन, पलक, ये तीनों बहनें थीं। इन तीनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं था। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, पलक के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छा जाती है। वो चमक, हंसी मजाक जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, वो अचानक से गायब हो गया था। जैसे अभिमन्यु की इस बात में कोई गम छुपा हो, एक ऐसा दर्द जिसे पलक बरसों से अपने अंदर छुपा कर बैठी हुई थी। सिर्फ वही महसूस कर सकती थी, उसके सिवा कोई और नहीं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये तीनों सगी बहनें तो थी, साथ में सबसे अच्छी बात ये थी कि ये तीनों एक साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में थी, वो भी मेरी टीम में। हम चारों एक साथ ही संस्था में काम किया करते थे। पलक अपने नमासू को अपनी पलकों के पीछे छुपाते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ फिर बोल पड़ती है, तुम भी ना अभी इस वक्त भी आधी बात ही बता रहे हो। हम चारों सिर्फ साथ में काम थोड़ी किया करते थे, बल्कि हम तो हर काम साथ में किया करते थे। एक साथ संस्था में आते थे, एक साथ लंच करते थे, एक साथ संस्था से जाते थे, वो भी एक ही बस में। और तो और कभी कभी घूमने और हॉरर मूवी देखने भी जाया करते थे। जब भी कोई हॉरर मूवी देखने जाते थे, मैं अभी के बगल में ही बैठा करती थी, और जैसे ही टॉकीज में किसी सीन में अंधेरा होता था, अभी मेरा कसकर हाथ पकड़ लिया करता था। कभी कभी तो वो इतना डर जाता था कि मुझसे लिपट जाता। कितना सुकून भरा पल होता था वो। जैसे ही पलक ये बात बोलती है, डायना फिर जलन भरी निगाहों के साथ पहले पलक को घूरती है और फिर अभिमन्यु को घूरने लग जाती है। डायना मन ही मन बड़बड़ाती है, यहाँ पर अंधेरे में एक दूसरे के हाथ पकड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से लिपटा जा रहा है, और मैं अभी के जरा पास क्या चले जाऊं, ये तो मुझसे दूर भाग जाया करता है। इतना सुनाता था कि पूछो मत, जैसे मैंने कुछ और ही कर दिया हो। पलक यहीं चुप नहीं बैठती है, लगातार अपने और अभिमन्यु के बारे में कहना जारी रखती है। अभी अंधेरे से डर कर मेरा हाथ पकड़ता था, उसके इसी अंदाज के कारण तो मुझे उससे प्यार हुआ था, मैं तो दीवानी हो गई थी। अभिमन्यु फिर पलक को घूरने लग जाता है। पलक तुरंत अपने कान पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहती है, अरे सॉरी सॉरी मेरे अभी, मैं इस अंदाज से दीवानी थोड़ी हुई थी तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी ज्ञान भरी बातों से दीवानी हुई थी। तुम हर चीज के बारे में कितने डिटेल से बताया करते थे, तुम्हें हर चीज के बारे में पता होता था, कितनी नॉलेज थी तुम्हें। अभिमन्यु और ज्यादा गुस्से से पलक को घूरने लग जाता है। पलक समझ जाती है कि अब अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो अभिमन्यु फिर उस पर चिढ़ने लग जाएगा, और अगर उसका बस चला तो वो उसे वापस वहीं पर छोड़कर आ जाएगा जहां से वो आई है। इसलिए अभिमन्यु के कुछ कहने से पहले ही वो खुद चुप हो जाती है। पलक के चुप होते ही अभिमन्यु बोलता है, हम चारों को पैरानॉर्मल संस्था में काम करते हुए बस 6 महीने हुए थे। इन 6 महीनों में हमने कई केसेस सॉल्व किए थे, ऐसी ऐसी हॉरर जगह पर गए थे जहां पर जाना किसी को अलाउड नहीं था, पर हमने बड़ी बहादुरी के साथ सारे काम किए थे। हमारी टीम वहां की बेस्ट टीम बन गई थी, पर हमें एक प्रोजेक्ट ऐसा मिला जिसने सब बदल कर रख दिया, हमारी टीम को तोड़ कर रख दिया। तोड़ कर क्या, हमारी टीम की नींव ही खत्म कर दी थी उस प्रोजेक्ट ने। युग झट से अभिमन्यु से पूछता है, क्या था वो प्रोजेक्ट अभिमन्यु? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो प्रोजेक्ट माया नगरी में था युग, उसके लिए हम चारों को माया नगरी जाना पड़ा था। जैसे ही अभिमन्यु माया नगरी का नाम लेता है, वर्चस्विनी घबरा जाती है। उसके मन में मायाधारी का ख्याल आ जाता है और उसे याद आता है कि मायाधारी के कारण ही उसे माया नगरी जाना पड़ा था। वो 7वीं पहाड़ी ढूंढनी पड़ी थी जहां पर मायाधारी एक गुफा के अंदर रहती थी, जहां वो तारा को किडनैप करके ले गई थी। अगले ही पल वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, अभिमन्यु माया नगरी में क्या प्रोजेक्ट मिला था तुम्हें? अभिमन्यु वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, प्रोजेक्ट 7वीं पहाड़ी। युग मुंह बनाते हुए कहता है, प्रोजेक्ट 7वीं पहाड़ी मतलब? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, तुझे पता है युग, जो माया नगरी है ना, वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूर से देखने पर तो वहां पर बस 6 पहाड़ियां ही दिखाई देती हैं, पर असल में वहां पर 7 पहाड़ियां हैं। उसी 7 पहाड़ी में से 7वीं पहाड़ी में एक गुफा थी, एक ऐसी गुफा जो भूतिया थी। उस गुफा के बारे में कई किस्से फैले हुए थे, किसी का कहना था कि वो अपने आप बनी है, तो किसी का ये कहना था कि वो एक जादूगरनी की गुफा है, एक ऐसी जादूगरनी जो लोगों की आंखें निकाल लिया करती है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, वर्चस्विनी की आंखों के सामने मायाधारी का चेहरा बार बार आने लग जाता है। वो समझ जाती है कि अभिमन्यु जिस जादूगरनी के किस्से की बात कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि मायाधारी थी, क्योंकि वही उस गुफा में रहा करती थी। पर अभिमन्यु मायाधारी के बारे में नहीं जानता था उस वक्त।
मायाधारी के नाम से ही वर्चस्विनी इतना ज्यादा घबरा गई थी कि अभिमन्यु के इतना सब कहने के बाद भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो बस डर से कांपने लग गई थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे आने लग गई थी। अभिमन्यु आगे कहता है, वो जो गुफा थी उस गुफा में एक आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, वही उस गुफा पर रिसर्च कर रहे थे ताकि उस गुफा के बारे में सब कुछ पता लगाया जा सके। तुम्हें पता है वो गुफा बहुत अद्भुत थी। वहां पर ग्रेफाइट पाया जाता था जो आसपास के एरिया में दूर दूर तक नहीं पाया जाता था। यही जानने वाली बात थी कि आखिर उस गुफा के अंदर इतना सारा ग्रेफाइट आया कहां से। वो आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर काम कर ही रहा था कि एक रात वो अचानक से गायब हो गया। सबका ये कहना था कि उस गुफा में काम करने के कारण ही वो गायब हुआ था। गुफा की जादूगरनी ने उसे भी गायब कर दिया है, तभी तो उसकी किसी को लाश तक नहीं मिली थी। पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, वर्चस्विनी अगले ही पल पूछ पड़ती है, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो वहां पर काम किया करते थे, अभिमन्यु उनका नाम क्या था? अभिमन्यु उस बारे में याद करते हुए कहता है, उनका नाम क्या था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अभिमन्यु इस बारे में याद कर ही रहा था कि उससे पहले ही पलक बोल पड़ती है, रविंद्र। उन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम रविंद्र था। देखा, मैं कुछ नहीं भूलती हूँ, मुझे सब याद रहता है। मेरी मेमोरी भी ना अभी तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते तेज हो गई है। अभिमन्यु पलक की फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देता है और वर्चस्विनी से कहता है, पलक ने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी जी, उन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम रविंद्र ही था, वही उस गुफा पर रिसर्च कर रहे थे। वर्चस्विनी अभिमन्यु को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, उस रात रविंद्र अकेले गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ उसकी पत्नी भी गायब हो गई थी और साथ ही उसकी छोटी सी बच्ची भी जो कुछ हफ्ते पहले ही जन्मी थी। अभिमन्यु कुछ नहीं कहता है, वो हैरानी के साथ बस बड़ी बड़ी आंखें करके वर्चस्विनी को घूरते रहता है, जैसे वर्चस्विनी ने कोई ऐसी बात कह दी हो जिसे उसने दंग करके रख दिया था। वर्चस्विनी फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, बोलो अभिमन्यु तुम चुप क्यों हो, मैंने सही कहा ना, रविंद्र की तरह ही उसकी पत्नी और बच्ची की लाश भी नहीं मिली थी ना। अभिमन्यु वर्चस्विनी को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, हाँ वर्चस्विनी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर आपको ये सब बातें कैसे पता है? वर्चस्विनी अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि रविंद्र की बेटी कोई और नहीं तारा है। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तारा भी वहीं पर मौजूद थी जो खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे उसे अपनी शक्तियों से बहुत पहले ही पता चल गया हो कि वर्चस्विनी उसकी असली माँ नहीं थी, जिस कारण वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या? वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, तारा रविंद्र और देविका की ही बेटी है। मायाधारी बचपन से ही तारा के पीछे पड़ी हुई थी। उसी ने रविंद्र को अपने वश में किया था और देविका पर हमला किया था, पर देविका किसी तरह बच निकली थी और उसने तारा को मेरी कार की डिक्की में डाल दिया था जो बाद में मुझे मिली थी। इसी के साथ वर्चस्विनी सब कुछ बता देती है कि किस तरह से उसने तारा को पाला पोसा था और यहाँ मेहंदी पठार में आने के बाद मायाधारी तारा का अपहरण करके उसे माया नगरी लेकर चली गई थी, फिर किस तरह उसने माया नगरी में 7 पहाड़ खोजे थे और वो गुफा के अंदर घुस गई थी। पर गुफा के अंदर जाने के बाद वर्चस्विनी के साथ क्या हुआ था वो उसे याद नहीं था, इसलिए इस बारे में वो कुछ नहीं बताती है। बस यामिनी ही जानती थी कि तारा की मदद करने वो ताज पहनकर पहुंची थी और उसने मायाधारी का अंत कर दिया था। वर्चस्विनी की सारी बात सुनने के बाद अभिमन्यु कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस गुफा में मैं अपनी टीम के साथ गया था वहां पर कोई और जादूगरनी नहीं बल्कि मायाधारी रहा करती थी, वो उसकी गुफा थी। वर्चस्विनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, वहां पर मायाधारी रहा करती थी। कायर अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु जब तू अपनी टीम के साथ उस गुफा में गया था तब क्या हुआ था उसके अंदर? अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं उस गुफा में अपनी पूरी टीम के साथ गया था, वहां पर मैं पलक कंचन और दीप्ति बस हम 4 लोग ही मौजूद थे। हम लोग गुफा के अंदर बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था और अंधेरा बढ़ने के साथ ही मेरे अंदर का डर भी बढ़ते जा रहा था। मुझे निक्टोफोबिया जो था, कछुआ अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, अब ये निक्टोफोबिया क्या होता है? अभिमन्यु के जवाब देने से पहले यमोदिता बोल पड़ती है, निक्टोफोबिया एक प्रकार की बीमारी है जिससे मरीज को अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा होते ही वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। अभिमन्यु को भी वही है कछुआ? अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिला देता है क्योंकि अमोदिता ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। वो सही जानकारी कैसे न देती, वो नर्स जो थी, सौदाइन, तो उसे अपनी माँ रजनी के कहने पर बनना पड़ा था। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है,
उस गुफा के अंदर एक अजीब सी स्मेल फैली हुई थी, इतनी गंदी कि हमसे तो वो गंध सहन भी नहीं हो रही थी। फिर भी हम उस गुफा के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे। उस वक्त हमारे पास जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाले डिवाइस थे, हमने सारे यूज कर लिए थे, और वो हमें संकेत दे रहे थे कि वहां पर कुछ न कुछ अदृश्य शक्ति जरूर मौजूद थी, और कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी शक्ति जिससे हमारा सामना पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे पास उस वक्त स्पिरिट पावर एनालिसिस डिवाइस था। कछुआ मुंह बनाते हुए पूछता है, अब ये स्पिरिट पावर एनालिसिस डिवाइस क्या होता है? अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, स्पिरिट पावर एनालिसिस डिवाइस वो डिवाइस है जिसकी मदद से आपके आसपास जो अदृश्य शक्ति मौजूद है वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, खतरनाक है, वो कौन सी प्रवृत्ति क्या है, उसका पता लगाया जाता है। उस दिन जब उस डिवाइस में लगे मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी से जब हमने उस गुफा में मौजूद उस अदृश्य शक्ति का पता लगाया, तो पता है क्या हुआ था? कायर डर से कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या हुआ था? अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए उस पल को याद करते हुए कहता है, पहले हमारे डिवाइस में जो मीटर रीडर लगा हुआ था उसका मीटर 100 से पार हुआ, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, और देखते ही देखते वो फट गया, उसमें आग लग गई थी। हम समझ गए थे कि वहां पर कोई सी ऐसी शक्ति है जिसका सामना हम चारों नहीं कर सकते थे। हमें तो ये भी नहीं पता चला था कि वहां पर जो शक्ति मौजूद है उसके पास कौन कौन सी ताकत है। पलक अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहती है, अभी ने तो उसी वक्त हमें मना कर दिया था कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। संस्था में खबर करके और भी दूसरी टीम को मदद के लिए बुला लेना चाहिए, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना सही रहेगा। पर कंचन दीदी और दीप्ति दीदी नहीं मानी, वो आगे जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि गुफा के अंदर आखिर कौन सी शक्ति थी। उसका वो दोनों अकेले सामना करके महारत हासिल करना चाहती थी, संस्था में अलग से अपना नाम करना चाहती थी, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ती रही और मैं और अभी ना चाहते हुए भी उनके साथ पीछे चलते रहे। पलक बीती बातों पर पछताते हुए कहती है, काश उस दिन हमने अभी की बात मान ली होती तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। अभिमन्यु पलक को देखते हुए नम लहजे के साथ कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ पलक, गलती मेरी भी थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अभिमन्यु पलक को देखते हुए नम लहजे के साथ कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ पलक, गलती मेरी भी थी। पलक ना में अपना सिर हिलाते हुए नम लहजे के साथ ही कहती है, नहीं अभी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम तीनों बहनों की गलती के कारण ही वो हादसा हुआ था। तुम तो बार बार हमें आगे जाने से मना कर रहे थे पर हमने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं पलक, गलती मेरी थी। पलक पलट कर अभिमन्यु से फिर कुछ कहती है, उससे पहले ही योग उन दोनों के बीच में दखल देते हुए अभिमन्यु से पूछ पड़ता है, जब तुम लोग उस गुफा के अंदर गए थे तब वहां पर क्या हुआ था अभिमन्यु? अभिमन्यु योग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जब हम गुफा के अंदर आगे बढ़े तो हमें ऐसी आवाज आने लग गई जैसे हमें कोई औरत पुकार रही हो। वो बहुत ही डरावनी आवाज थी। उस आवाज को सुनकर दीप्ति और कंचन और फुर्ती के साथ आगे बढ़ने लग गई। उनके अंदर ये जानने की तड़प बढ़ गई थी कि वो आवाज किसकी थी। मैंने तब भी उन दोनों को रोकने की कोशिश की थी पर वो दोनों रुके ही नहीं, और ना चाहते हुए भी मुझे और पलक को भी उन दोनों के पीछे जाना पड़ा। हम चारों के आगे बढ़ने के साथ ही रोशनी कम होते जा रही थी, और एक वक्त ऐसा आया कि रोशनी पूरी तरह लुप्त ही हो गई, यहाँ तक कि हमारी टॉर्च ने भी काम करना बंद कर दिया था, जैसे किसी ने अपनी जादुई शक्ति से टॉर्च की भी रोशनी को लुप्त कर दिया हो। पूरी गुफा में अंधेरा छा गया था, इतना अंधेरा कि मुझे पलक तक नजर नहीं आ रही थी। अंधेरा देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, मेरी सांसें फूलने लग गई थी, एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, और ये बात पलक ने भांप ली थी, इसलिए उसने उसी वक्त मेरा हाथ थाम लिया था मुझे सहारा देने के लिए। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता था, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और दीप्ति कंचन के साथ आगे नहीं बढ़ी। इतना कहकर अभिमन्यु पलक की तरफ देखने लग जाता है। पलक भी प्यार भरी निगाहों के साथ अभिमन्यु को देखने लग जाती है। डायना अभिमन्यु के सामने जाते हुए उससे पूछती है, तुम ऐसे चुप क्यों हो गए अभी, आगे क्या हुआ बताओ? अभिमन्यु एक लंबी आह भरने के बाद कहता है, अंधेरा होने के बाद भी दीप्ति और कंचन आगे बढ़ती रही और हम दोनों वहीं पर रुके रहे। हम चारों समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। उसी वक्त उस गुफा में चीखें सुनाई देने लगी, अजीब सी डरावनी चीखें। उन चीखों की गूंज इतनी तेज थी कि गुफा हिलने लगी और देखते ही देखते नुकीले पत्थर गुफा के अंदर गिरने लग गए।
एक बड़ा सा नुकीला पत्थर तो सीधे पलक के पैर पर गिरा था, जिस कारण वो वहीं पर बैठकर दर्द से कराहने लग गई थी। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। देखते ही देखते अचानक से गुफा के अंदर दीप्ति और कंचन दोनों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लग गई थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंधेरा देखकर मैं पहले ही घबरा गया था। वो डरावनी आवाजें मेरे कान में चुभने लग गई थी। मैं बहुत घबरा गया था और जब मैंने देखा कि गुफा हिलने लगी है और वो किसी भी वक्त गिर सकती है, तो उस वक्त मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो था वहां से भागना। मैं बस किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए मैं वहां से भागने लग गया। मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना पलक के बारे में, ना दीप्ति, ना कंचन के बारे में। जैसे मैं गुफा के बाहर निकला, गुफा के अंदर तेजी के साथ पत्थर गिरने लग गए, जिस कारण गुफा बंद हो गई। कछुआ अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहता है, यकीन नहीं होता अभिमन्यु कि तू ऐसा कर सकता है, अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़ सकता है। अभिमन्यु अतीत में की हुई गलती पर पछताते हुए कहता है, यकीन तो मुझे भी नहीं होता कछुआ कि वो शख्स मैं था जो अपने दोस्तों को अकेला छोड़ाया था। पर क्या करता, उस वक्त बस मुझे अपनी जान प्यारी थी और किसी की नहीं। जब आपके अंदर का डर आप पर हावी होता है तो आपको खुद पता नहीं होता है आप क्या करते हैं। और उस वक्त मुझे भी अंधेरे से बहुत डर लगता था। अंधेरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी मौत को देख रहा हूँ, इसलिए मैं गुफा से भाग आया। जब मैं गुफा से बाहर आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मौत के मुंह से बाहर आ रहा हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है। वहां एकदम से खामोशी छा जाती है। हर किसी की निगाहें अभिमन्यु पर थी। किसी को अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु ऐसा कर सकता था। वो अभिमन्यु जो सबसे पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचता है, कैसे सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है, इतना मतलब ही वो कैसे हो सकता है। अभिमन्यु नम लहजे के साथ खुद से बोल पड़ता है, मैं उस हादसे को जब भी याद करता हूँ तो मुझे अपने आप पर घिन आने लग जाती है। हर बार यही सोचता हूँ कि ये मैंने क्या किया, मैं इतना कायर कैसे हो सकता हूँ कि अपने दोस्तों को मौत के मुंह में छोड़कर आ सकता हूँ। मैं चाहता तो पलक को उठाकर गुफा से बाहर निकल सकता था, पर मैंने वो भी नहीं किया। बस मैंने अपनी जान बचाने की सोची। मैं सच में बहुत बड़ा मतलबी हूँ। पलक नम लहजे के साथ कहती है, तुम मतलबी नहीं हो अभी, तुमने जो किया सही किया। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो यही करती। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं पलक, मैंने सही नहीं किया। मुझे तुम्हें वहां से लेकर बाहर निकलना चाहिए था। पलक पलट कर कहती है, अभी अगर तुम मेरे लिए रुकते तो हो सकता है कि तुम्हारा भी वही हाल होता जो दीप्ति दी और कंचन दी का हुआ था। इसलिए मेरी बात मानो, तुमने जो किया सही किया। मुझे तुमसे कोई गिले शिकवे नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम सही सलामत उस दिन गुफा से बाहर निकल गए। अभिमन्यु पलक से पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही युग फिर अभिमन्यु से पूछ पड़ता है, गुफा से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ था अभिमन्यु? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जब मैं गुफा से बाहर निकला तो मैंने देखा कि गुफा पूरी तरह ढह चुकी थी। कुछ इस तरह की देखने से समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले वहां पर गुफा थी। गुफा पूरी तरह बंद हो चुकी थी, उसके अंदर जाने की जगह ही नहीं बची थी। जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले संस्था में कॉल किया। उनकी टीम शाम तक आई और जब उन्होंने पत्थर हटाने शुरू किए तो गुफा के थोड़े ही अंदर घुसने के बाद वहां पर उन्हें पलक बेहोश पड़ी मिली। पलक को उन्होंने फौरन एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। पलक तो मिल गई थी, पर दीप्ति और कंचन का कुछ अता पता नहीं था। संस्था वालों ने पूरी गुफा छान ली थी। वो उस गुफा के आखिरी सिरे तक चले गए थे, पर उन्हें कंचन और दीप्ति कहीं नहीं मिली। पता नहीं उन दोनों के साथ क्या हुआ। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? दीप्ति और कंचन तो अभिमन्यु तुम्हारे साथ ही गुफा के अंदर गई थी ना, फिर वो मिली कैसे नहीं? एक बार के लिए मान भी लो कि शायद उनके ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर गिर गया हो और वो गुफा में ही दब गई हो, पर फिर भी उनकी लाश तो मिलनी ही। इतना कहकर अमोदिता खुद चुप हो जाती है। वो पलक की तरफ देखने लग जाती है। वो जान गई थी कि आगे की बात से पलक के दिल को गहरी ठेस पहुंच सकती थी, इसलिए अपनी बात पूरी किए बगैर ही वो चुप हो जाती है। अभिमन्यु अच्छे से समझ गया था कि अमोदिता इसके आगे क्या बोलने वाली थी, इसलिए वो परेशान होते हुए तुरंत बोल पड़ता है, वही तो मेरे समझ नहीं आ रहा है अमोदिता, कि आखिर दीप्ति और कंचन के साथ क्या हुआ? वो गुफा के अंदर से कहां चली गई? अगर उन्हें कुछ हो भी गया हो तो कम से कम उनकी बॉडी तो गुफा के अंदर मिलनी ही चाहिए थी ना, पर वो भी हमें नहीं मिली। अभिमन्यु की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनमें से किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। यामिनी के दिमाग में तो बार बार कंचन का ही नाम आ रहा था। वो यही याद करने में लगी हुई थी कि इससे पहले उसने कंचन का नाम कहां पर सुना था। उसके दिमाग में कंचन का नाम अटक सा गया था। यामिनी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि उसने बस कंचन का नाम सुना नहीं था, बल्कि एक कंचन नाम वाली जादूगरनी से उसका सामना भी हुआ था।
वो कंचन जो किसी और की नहीं बल्कि मायाधारी की सेविका थी। यामिनी के दिमाग में कुछ चलने लग जाता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से बोल पड़ती है। अभिमन्यु, उस दिन गुफा के अंदर कंचन तुम्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि कंचन मायाधारी के हाथ लग गई थी। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, सब उसकी तरफ हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। अभिमन्यु हैरानी के साथ अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी तुमने, कंचन मायाधारी को मिल गई थी मतलब? यामिनी पलट कर कहती है, जिस कंचन के बारे में तुम बात कर रहे हो और जिस कंचन से मेरा सामना हुआ था, अगर वो दोनों कंचन एक ही हैं, तो उस दिन गुफा के अंदर कंचन मायाधारी को मिल गई थी। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यामिनी अभिमन्यु से कहती है, तुम बस 2 मिनट रुको अभिमन्यु, तुम्हारे अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना कहकर यामिनी अपनी आंखें बंद करती है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी क्या करने वाली थी, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। यामिनी ने अपनी आंखें बंद ही की हुई थी कि देखते ही देखते झरने के पास ढेर सारे जुगनू इकट्ठा होने लग जाते हैं। कायर उन जुगनुओं को देखते हुए डरते हुए कहता है, ये यामिनी जुगनुओं को क्यों बुला रही है, ये यहाँ पर किससे लड़ने वाली है जो इसने जुगनुओं को फिर से बुला लिया। सब खामोश रहते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिर यामिनी के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या करने की सोच रही थी। देखते ही देखते वहां पर ढेर सारे जुगनू जमा हो जाते हैं। यामिनी को ऐसा करते देख पलक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि यामिनी कोई साधारण लड़की नहीं है बल्कि उसके पास कई शक्तियां हैं, पर वो खामोशी के साथ सब कुछ होते हुए देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। देखते ही देखते वो जुगनू आपस में इकट्ठा होकर एक आकृति का रूप लेने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी उन जुगनुओं की मदद से किसी चेहरे की आकृति बना रही हो। वो जुगनू एकदम शिवलिंग के सामने जमा हो रहे थे और किसी लड़की के चेहरे की आकृति में बदल रहे थे। देखते ही देखते जुगनू शिवलिंग के सामने किसी लड़की के चेहरे का आकार लेकर पीली रोशनी में जगमगाने लग जाते हैं। वो सभी जुगनू स्थिर हो जाते हैं, उनमें अब जरा सा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। जैसे वो जुगनू किसी लड़की के चेहरे का आकार लेते हैं, यामिनी अपनी आंखें खोल लेती है। वो उन जुगनुओं के द्वारा बनाए गए लड़की के चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या यही वो कंचन है अभिमन्यु जिसकी तुम बात कर रहे हो? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही पलक रोते हुए बोल पड़ती है, हाँ, यही मेरी कंचन दीदी है, यही है जो उस दिन लापता हो गई थी। इतना कहकर पलक रोने लग जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। जब रजनी और अमोदिता कंचन के चेहरे को देखती हैं, तो उन्हें भी कुछ याद आने लग जाता है। रजनी मन में सोचती है, ये तो वही लड़की है जिसे सुदेश और दिलीप अपने साथ हवेली में लेकर आए थे जब वो दोनों माया नगरी से लौटे थे तब। पलक रोते हुए ही नम लहजे के साथ यामिनी से पूछती है, मेरी कंचन दीदी कहाँ पर है यामिनी, वो ठीक तो है ना? यामिनी चुप रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो पलक को कैसे बताए कि जिस कंचन के बारे में वो उससे पूछ रही थी, उसे वो अपने हाथों से बहुत पहले मार चुकी थी। पलक यामिनी पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ती है, तुम चुप क्यों हो यामिनी, बोलती क्यों नहीं, मेरी कंचन दीदी कहाँ है? अभिमन्यु भी यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, हाँ यामिनी जवाब दो, कंचन कहाँ पर है इस वक्त? यामिनी हिम्मत करते हुए नम आंखों के साथ कहती है, कंचन मर चुकी है अभिमन्यु। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, पलक के दिल को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो कुछ नहीं बोल पाती, खामोश पड़ जाती है, उसकी आंखों से फिर एक आंसू तक नहीं निकलता है। अभिमन्यु नम लहजे के साथ कहता है, कंचन मर गई पर कैसे? यामिनी अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, कंचन मरी नहीं अभिमन्यु, उसे मैंने मारा है। यामिनी के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी की नजर यामिनी के ऊपर जमी हुई थी। अभिमन्यु यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, तुमने कंचन को मार दिया पर क्यों यामिनी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अभिमन्यु यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, तुमने कंचन को मार दिया पर क्यों यामिनी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, मैं कंचन को मारना नहीं चाहती थी पर मुझे उसे मारना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं उसे कभी नहीं मारती अभिमन्यु। अभिमन्यु यामिनी से कुछ पूछता उससे पहले ही युग यामिनी से पूछ पड़ता है, ऐसी क्या मजबूरी थी यामिनी तुम्हारी जिसके लिए तुम्हें कंचन को मारना पड़ा?
यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे कंचन को मारना पड़ा क्योंकि वो मुझे मारने के लिए आई थी युग बाबू, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे कैद कर लेती। पलक ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मेरी कंचन दीदी कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी कंचन दीदी को नहीं जानती यामिनी, वो बहुत अच्छी थी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, न किसी का बुरा होते हुए देख सकती थी, फिर वो तुम्हें क्यों कैद करेगी। यामिनी पलक के सवालों का जवाब देते हुए कहती है, मेरी बात का यकीन करो पलक, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कंचन दीदी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा तुम बता रही हो। वो एक जादूगरनी थी जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों का खून पिया करती थी। पलक हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, जादूगरनी? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ पलक, जादूगरनी। उसके भी दोनों हाथों और पैरों के अंगूठे नहीं थे, उसने जादूगरनी बनने के लिए उसकी बलि दे दी होगी। वो जादूगरनी होती भी कैसे नहीं, वो मायाधारी की सेविका जो थी, और मायाधारी तो खुद एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। मायाधारी ने उसे यहाँ पर मुझे कैद करने के लिए भेजा था। किसी तरह कंचन के हाथ मेरा बाल लग गया था जिससे वो मुझे कैद करने वाली थी, पर वो भूल गई थी कि मैं एक यक्षिणी के साथ डायन भी हूँ और मैंने उसे मार दिया। इसी के साथ यामिनी सब कुछ बता देती है कि किस तरह पहले कंचन ने उसे जकड़ लिया था और फिर अंत में उसने कंचन को मार दिया था, उसे जलाकर राख कर दिया था। यामिनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, कंचन पूरी तरह उस मायाधारी के वश में थी, मायाधारी उसे जो कहती थी वो वही करती थी, चाहे वो फिर सही हो या गलत। उसे यहाँ पर भी मायाधारी ने ही भेजा था मुझे कैद करने के लिए। पलक कुछ कहती है, उससे पहले ही रजनी झट से बोल पड़ती है, मायाधारी ने कंचन को नहीं भेजा था, बल्कि दिलीप और सुदेश कंचन को लेकर आए थे। यक्षिणी, मेरा मतलब है कि तुम्हें मारने के लिए यामिनी। अमोदिता भी रजनी का साथ देते हुए कहती है, हाँ माँ सही कह रही है, पापा और फूफा जी लेकर आए थे कंचन को यक्षिणी को कैद करने के लिए। वो किसी भी कीमत पर यक्षिणी को कैद करना चाहते थे। यक्षिणी ने पूरे गाँव में कोहराम जो मचाया हुआ था। रजनी की बात सुनकर पलक को भी यामिनी की बात पर भरोसा होने लग जाता है। वो समझ जाती है कि कंचन को मारना यामिनी की मजबूरी थी, अगर कंचन जादूगरनी नहीं बनती तो यामिनी उसे कभी नहीं मारती। पलक नम लहजे के साथ ही यामिनी को एकटक देखते हुए कहती है, अगर कंचन दीदी को तुम मार चुकी हो तो क्या फिर तुमने दीप्ति दीदी को भी मार दिया है यामिनी? कंचन दीदी के साथ वो भी तो जादूगरनी बन गई होगी ना, मायाधारी के साथ रहते रहते। दीप्ति का नाम सुनकर यामिनी अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है, क्योंकि वो पहली बार दीप्ति का नाम सुन रही थी। पलक रोते हुए फिर यामिनी से पूछती है, बोलो यामिनी तुम चुप क्यों हो, क्या तुमने दीप्ति को भी मार दिया है? यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं पलक, मैंने किसी दीप्ति को नहीं मारा है, ना ही मैं किसी दीप्ति को जानती हूँ। पलक परेशान होते हुए कहती है, फिर मेरी दीप्ति दीदी का क्या हुआ, वो भी तो कंचन दीदी की तरह उसी गुफा में फंसी रह गई थी ना, वो भी तो मायाधारी के हाथ लग गई होगी ना उस दिन। पलक ने इतना कहा ही था कि तभी रजनी को एक और बात याद आती है कि जब मायाधारी मेहंती पथार में आई थी तो उसके साथ उसकी एक और सेविका आई थी जिसका नाम दीपा था। रजनी को ना जाने क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि दीपा ही दीप्ति है, क्योंकि मायाधारी के साथ दीपा को ही उसने देखा था और फिर कभी किसी दूसरी लड़की को नहीं देखा था। दीपा ही हमेशा मायाधारी के आगे पीछे घूमती रहती थी, उसकी हर बात माना करती थी, जैसे वो भी मायाधारी के वश में हो। रजनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, तुम्हारी दीप्ति दीदी कैसी दिखती थी पलक, क्या तुम बता सकती हो? पलक पलट कर कहती है, अब मैं आपको कैसे बताऊं रजनी दीदी कि मेरी दीप्ति दीदी कैसे दिखती थी। पलक सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ हाँ मैं बता सकती हूँ। इतना कहकर पलक अपने गले का डमरू वाला लॉकेट निकालने लग जाती है। वो डमरू वाला पेंडेंट बीच में से खुलता था। जब पलक उस पेंडेंट को खोलती है तो उसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें तीनों एक साथ थी। उसमें उनके बस चेहरे नजर आ रहे थे। पहले नंबर पर दीप्ति थी, दूसरे पर कंचन और तीसरे पर पलक। तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी। पलक उस लॉकेट को रजनी को दिखाते हुए कहती है, ये जो पहले नंबर पर है वो है मेरी दीप्ति दीदी। जब रजनी उस फोटो को देखती है तो वो हैरानी के साथ कहती है, यही तो दीपा है। पलक हैरानी के साथ अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहती है, क्या कहा आपने, दीपा? रजनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ पलक, ये दीपा है, यही मायाधारी के साथ यहाँ पर आई थी और हमारे गांव और हवेली में ही रुकी हुई थी। अमोदिता भी रजनी का साथ देते हुए बोल पड़ती है, हाँ ये दीपा ही है जो हमेशा मायाधारी के साथ ही रहा करती थी, और तो और ये भी जादूगरनी थी, इनके भी हाथों और पैरों में अंगूठे नहीं थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब यामिनी की नजर उस लॉकेट में लगी दीपा की तस्वीर पर पड़ती है तो वो हैरानी के साथ कहती है, इसे तो मैंने भी देखा है। पलक झट से पूछ पड़ती है, तुमने इन्हें देखा है यामिनी, पर कहां?
यामिनी पलक के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मायाधारी की गुफा में जब मैं उसे मारने के लिए गई थी तब मैंने इसे वहां पर देखा था। युग हैरानी के साथ कहता है, तुम मायाधारी को मारने उसकी गुफा कब चली गई यामिनी? यामिनी युग को सब कुछ अच्छे से समझाते हुए कहती है, कुछ महीने पहले की बात है युग बाबू, मेरे बाबा रज्जन तारा पर अपनी नजर रखे हुए थे। तारा की रक्षा करने के लिए उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा था सूचक मोती के द्वारा, और मैं समझ गई थी कि बाबा किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, साथ में तारा भी। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस वक्त मेरे पास मेरा ताज भी नहीं था। मैं किश्नोई नदी पर अपनी किस्मत को कोस रही थी, वहां पर रो रही थी, तभी वहां पर मेरा सामना काला पोशाक वाले आदमी से हुआ। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा यामिनी, काले पोशाक वाले आदमी से? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, उसी काली पोशाक वाले आदमी से जिसने मुझे क्रकट से मारा था। उस रात भी वो मुझे मारने के लिए आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे मुझे आपसे जुदा करने का बदला लेकर ही रहूंगी। मैंने उसे मंत्रों से मारने की कोशिश की, पर उस पर मेरे किसी भी मंत्र का असर नहीं हो रहा था, जैसे उसके पास भी कोई शक्ति हो। युग यामिनी को टोकते हुए कहता है, शक्ति? कैसी शक्ति यामिनी? यामिनी जवाब देती है, वो शक्ति क्या थी ये तो मुझे नहीं पता युग बाबू, पर उस काली पोशाक वाले आदमी के पास कोई ना कोई शक्ति तो जरूर थी, तभी उस पर मेरे किसी भी मंत्र का असर नहीं हो रहा था। मैंने सब मंत्र पढ़कर देख लिए थे, पर उस अदृश्य शक्ति के बलबूते ही उसने मुझे किश्नोई नदी में फेंक दिया था, और मेरे नदी में गिरते ही नदी का पानी बर्फ में जमने लग गया था। किश्नोई नदी पूरी तरह बर्फ से ढक गई थी। मुझे तो लगा था ना ही मैं खुद को बचा पाऊंगी ना ही तारा को बचा पाऊंगी, पर उस दिन एक चमत्कार हुआ, महादेव का चमत्कार। युग यामिनी को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ उससे पूछता है, कैसा चमत्कार यामिनी, क्या हुआ था उस रात को? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, बर्फ से ढकी नदी पर आसमान से एक चीज आकर गिरी जिससे बर्फ के अंदर छेद हो गया था। वो चीज बहुत ही तेजी के साथ नदी के अंदर गिरी थी, उसके नदी में गिरने के साथ ही बर्फ पिघलने लग गई थी। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चीज क्या थी। जब मैं उस चीज के पास गई तो मैंने देखा नदी के अंदर जो चीज गिरी थी वो कुछ और नहीं बल्कि मेरा ताज था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, ताज? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, ताज। मेरे ताज के मिलने के साथ ही मुझे ताज का लाल हीरा भी मिल गया था। मैं खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया था। मुझे तो ये महादेव का आशीर्वाद लग रहा था जो ताज के रूप में मुझे मिल गया था। मैं समझ गई थी कि महादेव मेरे साथ है, इसलिए उन्होंने ही मेरी मदद की है। फिर वो ताज लेकर मैं उसी वक्त मायाधारी को मारने के लिए माया नगरी निकल गई। इसी के साथ यामिनी सब कुछ बता देती है कि उसने उस दिन मायाधारी को कैसे मारा था और किस तरह उसके बाबा रज्जन मरने के बाद भी उसी गुफा में फंसे रह गए थे। अपने श्राप के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। जब वर्चस्विनी को पता चलता है कि उस दिन गुफा में यामिनी उसकी मदद करने आई थी, तब वर्चस्विनी के दिल में यामिनी की और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। वो जान जाती है कि यामिनी यक्षिणी तो थी पर बुरी बिल्कुल नहीं थी। उसके पास भी दिल था जिसमें युग और तारा के लिए बे इंतहा प्यार था। वो बेवजह किसी को नहीं मारती थी। सारी बात सुनने के बाद पलक हड़बड़ाहट के साथ यामिनी से पूछ पड़ती है, मेरी दीप्ति दीदी का क्या हुआ यामिनी, वो कहाँ चली गई थी जब तुमने उस गुफा में हमला किया था? यामिनी पलक के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जब मैंने मायाधारी पर हमला किया तो दीप्ति, मेरा मतलब है कि दीपा, समझ गई थी कि मायाधारी नहीं बचने वाली थी, उसका अंत निश्चित था, इसलिए दीप्ति वहां से भागने लग गई। पर दीप्ति वहां से भागने में कामयाब हुई ये मुझे नहीं पता। यामिनी नम लहजे के साथ ही कहती है, जितना मुझे लगता है दीप्ति उस दिन नहीं बच पाई होगी, क्योंकि वो पहाड़ पूरी तरह से ढह चुका था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो वहीं पर फंसी रह गई होगी। यामिनी की बात सुनकर पलक मायूस हो जाती है, पर कहीं ना कहीं उसके दिल को तसल्ली मिली थी, एक सुकून मिला था, क्योंकि जो कंचन और दीप्ति गुफा के अंदर गुमशुदा हुए थे, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, अब उसे पता चल चुका था कि कंचन और दीप्ति इस दुनिया में जिंदा नहीं बचे थे, उन्हें इस लोक से मुक्ति मिल चुकी थी। अभिमन्यु के दिमाग में कुछ चलने लग जाता है और वो कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अब मेरे सब समझ आ रहा है। कायर मुंह बनाते हुए अभिमन्यु से पूछता है, अब तेरे क्या समझ में आ रहा है अभिमन्यु? अभिमन्यु जवाब देता है, यही कि उस दिन पूरी गुफा में छानबीन करने के बाद भी हमें कंचन और दीप्ति की बॉडी क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि कंचन और दीप्ति उस दिन मायाधारी के हाथ लग गई थी और मायाधारी ने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें कहीं छुपा दिया होगा और फिर बाद में अपनी तरह जादूगरनी बना दिया, अपनी सेविका बनाकर उन्हें वहां पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, उनकी पूरी मेमोरी इरेज कर दी होगी, साथ ही साथ उसने दीप्ति का नाम भी बदल दिया, वो उसे दीपा कहकर बुलाने लग गई। कछुआ अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है,
पर उस दिन गुफा के अंदर तो पलक भी दब गई थी ना, तो फिर वो मायाधारी सिर्फ कंचन और दीप्ति को ही लेकर क्यों गई? पलक को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? कछुए के सवाल ने अभिमन्यु को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु उस दिन के पूरे हादसे को अपने दिमाग में फिर से रिमाइंड करने लग जाता है। हर एक पल उसकी आंखों के सामने से धीरे धीरे गुजरने लग जाता है। तभी उसके दिमाग में कुछ चीज नोट होती है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, क्योंकि पलक मेरे साथ थी। दीप्ति और कंचन आगे बढ़ती जा रही थी और जितना मुझे लगता है वो मायाधारी के पास पहुंच गई होंगी। तभी बाद में उन दोनों की चीखें भी सुनाई देने लग गई थी। पलक के बेहोश होते ही गुफा में पत्थर गिरने लगे थे और गुफा बंद हो गई थी। इसी वजह से मायाधारी पलक को अपने साथ नहीं ले गई होगी। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये किससे कितने जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो हम सभी की जिंदगी अलग अलग थी, पर देखो अंत में आकर ये पूरे किससे जुड़ रहे हैं। हम सभी की जिंदगानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, किस्से के जुड़ने के साथ ही तो कहानी बनती है युग, और अभी तो एक कहानी बची ही हुई है, उस काले साए की कहानी। पता नहीं जब उसकी कहानी के बारे में पता चलेगा तब हमारे अतीत के कितने किस्से जुड़ेंगे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अभिमन्यु पलट कर कहता है, किस्से के जुड़ने के साथ ही तो कहानी बनती है युग, और अभी तो एक कहानी बची हुई है, उस काले साए की कहानी। पता नहीं जब उसकी कहानी के बारे में पता चलेगा तब हमारे अतीत के कितने किस्से जुड़ेंगे। डायना नाराजगी के साथ अभिमन्यु से कहती है, एक किस्सा तो अभी भी अधूरा ही है। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए डायना से पूछता है, तुम किस किस्से की बात कर रही हो डायना? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उसी किस्से की जो तुमने बीच में अधूरा छोड़ दिया। अभी तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि पलक तुम्हारी संस्था से निकल जाने के बाद भी साथ क्यों है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अभिमन्यु डायना को एकटक देखते हुए कहता है, मैं बताता हूँ डायना, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाने वाला। अभिमन्यु डायना को सब कुछ बताते हुए पुरानी बातों को फिर से याद करते हुए कहता है, उस हादसे में पलक को गुफा से बाहर निकालने के बाद जब उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और डॉक्टरों ने उसका इलाज किया तो पलक को होश ही नहीं आया, पर पलक की दिल की धड़कनें चल रही थी, वो जिंदा थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि पलक जिंदा थी, पर सच तो ये था कि पलक जिंदा लाश बन चुकी थी, वो कोमा में जा चुकी थी। डायना अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, कोमा? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, कोमा। पलक अपने होशो हवास खो चुकी थी। मुझसे पैरानॉर्मल संस्था वालों ने जवाब मांगा था कि आखिर उस गुफा के अंदर क्या हुआ था। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों को मैंने उस चीज की रिपोर्ट सौंपी और बताया कि उस दिन गुफा के अंदर क्या हुआ था, तो उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसी वक्त उन्होंने मुझे संस्था से निकाल दिया था। कहा था जिस शख्स को अंधेरे से डर लगता है उस इंसान की संस्था में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काली शक्तियां अंधेरे में ही नजर आती हैं। अंधेरा ही काली शक्तियों का मुख्य हथियार है। मुझे संस्था से निकाल देने का एक और कारण था, और वो ये था कि मैं अपने साथियों को वहां गुफा में अकेला छोड़ा था, और हमारी संस्था का पहला रूल यही था कि चाहे कुछ भी हो हम हमारे साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं, और मैं उनके इस रूल को तोड़ चुका था। मैं तो उनकी संस्था के काबिल ही नहीं था। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक शिकन थी, तड़प थी, जैसे वो आज भी पछता रहा हो हादसे को याद करके। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि मुझे संस्था से निकाल दिया गया है। अफसोस तो इस बात से था कि पलक की इस हालत का जिम्मेदार मैं था। मैं चाहता तो उसे लेकर भाग सकता था, पर मैं इतना कायर था कि खुद अकेले भाग आया। मैंने पलक की तरफ मुड़कर जरा भी नहीं देखा। मैं रोज अपने आप से लड़ रहा था, घुट घुट कर जी रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, मैं इस तरह अपनी जिंदगी से नहीं भाग सकता हूँ। डायना अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहती है, फिर कैसे सुधारी तुमने अपनी गलती? अभिमन्यु धीरे से जवाब देता है, पलक की केयर करके। मैंने सोच लिया था कि अब पलक का ख्याल मैं ही रखूंगा। वैसे भी पलक का इस दुनिया में अब था ही कौन। दीप्ति और कंचन तो पहले ही लापता हो चुकी थी गुफा के अंदर, इसलिए मैं पलक की केयर करने लग गया। मैं पलक को अपने गुवाहाटी वाले फ्लैट पर ले गया जहां पर मैं रहता था। वहीं पर मैंने एक नर्स भी लगा दी थी जो उसकी देखरेख करती थी। मैं हर वक्त पलक के पास ही बैठा रहता था, यही सोचता रहता था कि वो कब होश में आएगी और मैं उससे अपनी गलती की माफी मांगूंगा। पलक अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए बड़े प्यार से कहती है,
तुम मुझसे इतना प्यार करते थे अभी कि हर वक्त मेरे पास ही बैठे रहते थे, मुझे देखते रहते थे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था पलक, मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे, मैं बस तुम्हारी केयर करता था। पलक बड़े प्यार से जवाब देती है, केयर करना भी तो प्यार ही होता है ना भी। अभिमन्यु पलक से फिर कुछ कहता उससे पहले योग अभिमन्यु से पूछ पड़ता है, फिर पलक कोमा से बाहर कब आई अभिमन्यु? अभिमन्यु योग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो बस एक साल पहले ही कोमा से बाहर आई है योग, महाशिवरात्रि की रात, जैसे महादेव ने स्वयं पलक को गहरी नींद में से जगाया हो। युग कुछ सोचते हुए कहता है, मतलब तब जब तू यहाँ पर मेहंदी पथार वापस आ चुका था? अभिमन्यु पलट कर जवाब देता है, उससे भी कुछ महीने पहले युग, जब पलक कोमा से बाहर आई तो उसे सब कुछ याद था, वो हादसा भी। उसने मुझसे दीप्ति और कंचन के बारे में भी पूछा, पर मैं उसे कुछ जवाब नहीं दे पाया। फिर वो खुद ही समझ गई कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी की हुई गलती सुधारूंगा, जिस अंधेरे से मैं डरता हूं उसे ही अपना हथियार बनाऊंगा और एक अच्छा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनकर दिखाऊंगा। और फिर मैं यहां पर आ गया क्योंकि मुझे पता था यही वो जगह है जहां पर यक्षिणी भटकती थी। मैं यक्षिणी के लिए यहां पर आया था, उसी की तलाश में रोज रात को किश्नोई नदी के किनारे पर आया करता, और एक रात मुझे युग तू मिल गया। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, युग को याद आता है कि उसकी और अभिमन्यु की पहली मुलाकात किश्नोई नदी पर ही हुई थी। अभिमन्यु अपने हाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस पकड़े हुए था और वो अदृश्य शक्ति का पता लगा रहा था। अभिमन्यु एक लंबी आह भर कर फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब पलक कोमा से बाहर आई तब वो बहुत कमजोर थी, वो तो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसी वक्त हमें एक और दुख भरी खबर पता चली, और वो ये थी कि अब पलक कभी डांस नहीं कर सकती थी। गुफा में वो नुकीला पत्थर सीधे पलक के पैर पर गिरा था, जिस कारण उसके पैर में अंदरूनी चोट लग गई थी, ऐसी चोट जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। पर पलक को इस बात से भी जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, जैसे उसने दर्द सहने की आदत बना ली हो। अपनी मुस्कान के पीछे वो सारे गम छुपा लिया करती थी, वो वैसी ही थी जैसे पहले थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी चीज का गम नहीं था। पलक अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहती है, मुझे गम क्यों होता अभी, तुम जो मेरे साथ थे, तुम मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होने देते थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। जैसे ही पलक ये बात बोलती है, डायना जलन भरी निगाहों के साथ पलक को घूरने लग जाती है। पलक मायूसी के साथ कहती है, जब मैं ठीक से चल नहीं पाती थी तो तुम मेरे पास ही रहते थे, पर जब मैंने चलना शुरू किया तो तुम बदलने लग गए, मुझसे दूर जाने लग गए और फिर एक दिन चले ही गए। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब पलक कुछ ठीक हुई और अपने पैरों पर चलने लगी तो मैं यहाँ बंगला मुड़ा आ गया। पलक को मैंने ये बात नहीं बताई थी कि मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था से निकाल दिया गया है, बस मैंने उससे ये कहा था कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उसी के सिलसिले में मुझे बाहर रहना पड़ता है और मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। उसके साथ वो नर्स ही रहा करती थी, वही उसकी देखरेख करती थी। बीच बीच में मैं हर महीने वक्त निकालकर पलक से मिलने जाता रहता था कुछ घंटों के लिए। कायर अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, अच्छा अब समझ आया, तू कई घंटे तक बिना बताए कहां पर गायब हो जाया करता था, तो तू गुवाहाटी इस पलक से मिलने जाता था? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, मैं पलक से ही मिलने जाया करता था, इसलिए कभी कभी आने में देरी हो जाती थी और मैं तुम्हारे पूछने पर भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाता था। कछुआ अभिमन्यु से पूछता है, पर पहले तूने हमें कभी पलक के बारे में क्यों नहीं बताया, सब कुछ छुपा कर क्यों रखा? अभिमन्यु मायूसी के साथ कहता है, क्या बताता कछुआ, यही कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता था, या फिर मैं ये बताता कि मैं कितना बड़ा खुदगर्ज था कि अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर भाग आया था। अगर ये बात मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारा मुझ पर से भी भरोसा उठ जाता, जैसे पैरानॉर्मल संस्था वालों का उठा था। युग अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु, ऐसा कभी नहीं होता, हम कोई संस्था थोड़ी है, हम दोस्त हैं, और संस्थाएं टूट सकती हैं पर दोस्ती कभी नहीं टूटती है, वो मरते दम तक साथ रहती है। हमारा कभी तुझ पर से भरोसा नहीं उठ सकता, हमें पता है तू कितना बहादुर है, कितनी बार तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया है। डायना भी युग का साथ देते हुए बोल पड़ती है, हाँ अभी तुम बहुत बहादुर हो, मेरी जान भी तो उस काले साए से तुमने ही बचाई थी ना, तो फिर तुम खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हम सबका साथ कभी नहीं छोड़ सकते हो। डायना ने अभी ये बात बोली थी कि तभी पलक बोल पड़ती है, पर मुझे अभी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरा उस पर से भरोसा उठ गया था, तभी मुझे उसके साथ वो सब करना पड़ा। डायना मुंह बनाते हुए पलक से पूछती है, वो सब करना पड़ा, क्या वो सब करना पड़ा? पलक अपनी दोनों भवें धीरे से ऊपर उठाते हुए बड़े प्यार से कहती है, वही
वो सब जो एक लड़का लड़की की बात नहीं मानता तो उस लड़की को वो सब करना पड़ता है अपनी बात मनाने के लिए। मुझे भी अभी के साथ वही करना पड़ा। बिंदु झट से बीच में बोल पड़ती है, वही जो मैं कायर के साथ करती हूँ अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे बिंदु ये बात बोलती है, कायर अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला अभिमन्यु, तूने बताया नहीं कि तूने भी वो सब किया है, हम तो तुझे अब तक कवर। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। पलक, ये तुम इन सबको क्या झूठ झूठ बता रही हो? पलक मासूमियत के साथ कहती है, मैं क्या इन्हें बता रही हूँ, मैं तो इन्हें कुछ नहीं बता रही हूँ, ये लोग कुछ के कुछ सोच रहे हैं अभी, मुझे क्या पता कि बिंदु कायर से अपनी बात किस तरह मनवाती है। डायना चिढ़ते हुए बीच में बोल पड़ती है, तो तुमने फिर क्या किया अभी के साथ पलक अपनी बात मनवाने के लिए, और ऐसी क्या बात थी जो तुम उससे मनवाना चाहती थी? पलक बड़े प्यार से डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो क्या है ना डायना, पहले तो अभी मुझसे हर महीने में 3-4 बार मिलने आ जाया करता था, मैं उसी में खुश थी कि वो अपने काम से वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आया करता है, पर 2 महीने से ज्यादा हो गया था, इन 2 महीनों में अभी 1 बार भी मुझसे मिलने नहीं आया था, मैं फोन भी करती तो वो उठाता नहीं, और उठाता तो ठीक से बात नहीं करता, मैं मिलने भी बुलाती थी तो नहीं आता था, कहता था काम में बिजी हूँ, इसलिए मुझे उसके खिलाफ एक साजिश रचनी पड़ी। डायना फिर हैरानी के साथ पूछती है, साजिश, कैसी साजिश? पलक कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, तुम्हें याद है डायना, कुछ दिनों पहले हवेली में तुम्हारा और मेरा जब झगड़ा हो रहा था उस वक्त मुझे एक कॉल आया था और तुमसे पूरी बात किए बगैर ही मैं वहां से जाने लग गया था। डायना उस बात को याद करते हुए कहती है, हाँ याद है, और जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुमने कहा था कि मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, और उस रात मैं पलक से मिलने जा रहा था। यामिनी झट से पूछ पड़ती है, ये उसी रात की बात है ना जब मैं तुमसे युग बाबू के बारे में बात करने आई थी तुम्हारे कमरे में, और तुम मुझसे भी कोई बात किए बगैर जल्दी जल्दी निकल गए थे? अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, ये उसी रात की बात है, उस रात मुझे नर्स का कॉल आया था और उसने मुझे बताया था कि पलक सीढ़ियों से गिर गई है। मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि उसके पैर की हालत वैसे ही खराब थी, इसलिए बिना तुम लोगों को कुछ बताए हड़बड़ाहट के साथ मैं वहां से निकल गया, पर जब मैं फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पर मामला कुछ और ही था। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। पर जब मैं फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पर मामला कुछ और ही था। इसी के साथ अभिमन्यु अपने अतीत की यादों में चला जाता है। उसकी आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब वो उस रात पलक से मिलने के लिए अपने फ्लैट पर गया था। अभिमन्यु अपने फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था और बार बार बेल बजाया जा रहा था। माथे पर उभरती हुई लकीरें ये बात साफ बयां कर रही थी कि वो बहुत टेंशन में था। अभिमन्यु एक बार फिर बेल बजाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, कहीं पलक को सीढ़ियों पर से गिरने के कारण ज्यादा चोट तो नहीं लग गई? ये बात सोचते ही अभिमन्यु और ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो हड़बड़ाहट के साथ फिर से बार बार बेल बजाने लग जाता है। पर जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो अभिमन्यु बेल बजाना छोड़ देता है और दरवाजा अपने हाथों से ठोकते हुए कहता है, दरवाजा खोलो नैना, दरवाजा खोलो। नैना किसी और का नहीं, नर्स का नाम था, वही नर्स जिसको अभिमन्यु ने पलक की देखभाल करने के लिए रखा था। अभिमन्यु यही सब बड़बड़ाते हुए दोनों हाथों से दरवाजा ठोके जा रहा था। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि यदि किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो दरवाजा तोड़कर सीधे अंदर घुस जाएगा। अभिमन्यु दरवाजा ठोक ही रहा था कि तभी कोई अंदर से दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजा किसी और ने नहीं, नैना ने खोला हुआ था। नैना को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी गहरी नींद में से उठी हो। अभिमन्यु नैना पर चिढ़ते हुए कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में नैना, सो रही थी क्या? नैना पहली बार अभिमन्यु को इतने गुस्से में देख रही थी, वरना अभिमन्यु हमेशा उससे अच्छे से ही शांति के साथ बात करता था। अभिमन्यु को इतने गुस्से में देखकर नैना इतना ज्यादा डर जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो खामोशी के साथ खड़ी रहती है। अभिमन्यु हॉल में अपनी नजरें घुमाने लग जाता है, पर जब उसे कहीं भी पलक नहीं दिखती है तो वो चिढ़ते हुए फिर नैना से बोल पड़ता है, पलक कहाँ पर है नैना, उसे ज्यादा लगी तो नहीं, वो ठीक तो है ना? अभिमन्यु समझ जाता है कि पलक जरूर अपने कमरे में आराम कर रही होगी, इसलिए बिना नैना के जवाब का इंतजार किए वो पलक के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। नैना भी उसके पीछे ही जाने लग जाती है।
अभिमन्यु पलक के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए फिर नैना पर चिढ़ते हुए कहता है, जब पलक सीढ़ियों से गिरी तब तुम क्या कर रही थी नैना? मैंने तुम्हें यहाँ पर आखिर रखा क्यों है? मुश्किल से एक लड़की है, उसका भी तुम ठीक से ख्याल नहीं रख सकती क्या? नैना खामोशी के साथ अभिमन्यु के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाते रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। नैना पर अपना गुस्सा निकालते हुए अभिमन्यु पलक के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी वो पलक के कमरे तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो पलक के कमरे का दरवाजा खोलता है वो हैरान रह जाता है, उसके चेहरे पर की परेशानी गायब हो जाती है। पलक बड़े आराम से बेड पर लेटी हुई थी, अपनी कमर तक उसने पिंक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। पलक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियों से गिरी ही ना हो और बड़ी ही मस्त हो। जैसे ही पलक की नजर अभिमन्यु पर पड़ती है वो खुश हो जाती है, खुशी से उसका चेहरा चमकने लगता है। पलक मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहती है, तुम आ गए अभी? मुझे पूरा यकीन था कि ये खबर सुनकर तुम जरूर आओगे मुझसे मिलने के लिए, आखिर तुम्हें मेरी फिक्र जो लगी रहती है। अभिमन्यु धीरे धीरे अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाते हुए पलक को एकटक देखते हुए कहता है, तुम तो सीढ़ियों पर से गिर गई थी ना पलक? जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है पलक एकदम खामोश हो जाती है, वो अभिमन्यु से अपनी नजरें चुराने लग जाती है। पलक को यूं नजरें चुराते हुए देख अभिमन्यु समझ जाता है कि माजरा क्या था। पलक ने नैना से झूठ कहलवाया था अभिमन्यु को वहां पर बुलाने के लिए। अभिमन्यु पलक को घूरते हुए कहता है, तुमने झूठ बोला पलक कि तुम सीढ़ियों पर से गिर गई थी? पलक तुरंत पलट कर कहती है, नहीं अभी, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है, मैं सच में सीढ़ियों पर से गिर गई थी, ये देखो मुझे चोट भी लगी है। इतना कहकर पलक अपने बदन पर का ब्लैंकेट हटा देती है। जब अभिमन्यु पलक के पैर की तरफ अपनी नजरें करता है तो देखता है कि पलक के उल्टे पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये वही पैर था जिस पर गुफा में नुकीला पत्थर गिर गया था। पलक अपनी बात को आगे जारी रखते हुए हिचकिचाते हुए अभिमन्यु से कहती है, अब मैं सीढ़ियों पर से गिरी तो थी पर बस दो सीढ़ियों पर से, पर देखो वहीं से गिरने के कारण मेरे पैर में मोच आ गई, मैं कितनी नाजुक हूं ना, बिल्कुल अपने नाम की तरह। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, पलक तुम इसे मोच कहती हो? पलक मायूसी के साथ कहती है, हाँ अभी ये मोच ही तो है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या पट्टी बंधी हुई है? तुम क्या चाहते थे कि मैं सीढ़ियों से गुलाटी खाते हुए सीधे नीचे तक गिर जाती ताकि मेरी हड्डी टूट जाए? अभिमन्यु अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, पलक तुम ना। अभिमन्यु के बगल में ही नैना खड़ी हुई थी, वो पलक पर तो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता था पर उसे किसी न किसी पर तो अपना गुस्सा निकालना ही था, तो वो नैना पर ही चिढ़ते हुए बोल पड़ता है, ये पलक तो पागल है नैना, अभी तक ना समझे पर तुम तो समझदार हो ना, तुम भी इसके नाटक में शामिल हो, तुमने ही कॉल किया था ना मुझे और यहाँ पर आने के लिए बोला था। नैना अपना सिर नीचे झुकाते हुए धीरे से कहती है, मैं क्या करती अभिमन्यु, मैं अंदर काम कर रही थी और पलक पता नहीं कब बाहर निकल गई और सीढ़ियों पर से गिर गई। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो सीढ़ियों पर गिरी हुई थी पर उसे चोट नहीं आई थी, हल्की सी बस मोच थी। वो तो उसी वक्त कह रही थी कि तुम्हें फोन करके बुलाऊं पर मैंने मना कर दिया, पर फिर जब रात हुई मैंने पलक को दवाई खाने के लिए दी तो वो मना करने लग गई, कहने लगी जब तक अभी नहीं आएगा वो दवाई नहीं खाएगी, बहुत जिद कर रही थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मेरी बात ही नहीं मानी। तुम तो खुद जानते हो ना अभिमन्यु की पलक अपनी जिद पर अड़ जाती है तो उसे मनवा कर ही मानती है। उसी ने फिर मुझे ये सब करने को बोला और मुझे तुम्हें यहाँ पर फोन करके बुलाना पड़ा ताकि वो अपनी दवाई खा ले। नैना की बात सुनकर अभिमन्यु समझ जाता है कि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी, इस वक्त पलक का दवाई खाना बहुत जरूरी था। अभिमन्यु नैना से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उससे पहले ही नैना फिर बोल पड़ती है, पर अभिमन्यु मैंने फोन पर भी तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हें याद है ना मैंने ये कहा था कि पलक सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई है, तुम जल्दी आ जाओ। पलक सीढ़ियों से तो गिरी थी पर बस दो सीढ़ियों पर से। नैना की ये बात बोलते ही अभिमन्यु नैना को गुस्से से घूरने लग जाता है। अभिमन्यु गुस्से के साथ ही नैना से कहता है, तुम रहने दो नैना, तुम भी ना, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे पलक से अकेले में बात करनी है, तुम जाओ यहाँ से। अभिमन्यु की ये बात बोलते ही नैना कमरे से बाहर चली जाती है। नैना के जाते ही पलक अपने बेड पर से उठती है और अभिमन्यु के पास जाकर बड़े प्यार से शर्माते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है अभी, तुम्हें मुझसे अपने दिल की बात कहनी है क्या? बोल दो वो तीन शब्द, मैं कब से इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। इतना कहकर पलक अभिमन्यु को एकटक देखने लग जाती है, उसकी आंखों में डूब जाती है। अचानक से पलक के मुंह से ये बात सुनकर अभिमन्यु भी घबरा जाता है, उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि नैना के जाते ही पलक उससे ऐसी बात कहेगी। पलक फिर बोल पड़ती है,
आखिर वो दिन आ ही गया अभी जब तुम मुझसे अपने दिल की बात कहोगे। बोलो अभी बोलो वो तीन शब्द, मेरे कान तरस रहे हैं वो तीन शब्द सुनने के लिए। अभिमन्यु पलक को एकटक देखते हुए कहता है, तुम्हें तीन शब्द सुनने हैं ना पलक? पलक एक उम्मीद के साथ बोलती है, हाँ मेरे अभी, बोलो वो तीन शब्द। अभिमन्यु पलक पर चिढ़ते हुए कहता है, तुम पागल हो। जैसे ही अभिमन्यु ये तीन शब्द बोलता है, पलक का चेहरा उतर जाता है, वो मायूस हो जाती है। अभिमन्यु अपना आपा खो बैठता है और पलक पर गुस्से के साथ फटते हुए कहता है, पलक ये क्या हरकत है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं तुम्हारे इस नाटक की वजह से क्या छोड़कर आ रहा हूँ? तुम्हें पता है ना मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम ऐसी बचकानी हरकतें कर रही हो, कब सुधरोगी तुम पलक? अभिमन्यु को अपने आप पर इस तरह गुस्सा करते हुए देख पलक भी अपना आपा खो बैठती है और वो भी आक्रोश भरे लहजे में अभिमन्यु से बोल पड़ती है, तुम मुझे बोल रहे हो अभी कि मैं कब सुधरूंगी? तुम बताओ तुम कब सुधरोगे? तुम इतना कैसे बदल सकते हो? 2 महीने से मुझसे मिलने नहीं आए हो, तुम्हें मेरी याद भी आती है या नहीं? मैसेज करती हो तो उसका रिप्लाई भी नहीं करते, फोन करती हो तो उठाते नहीं हो, तुम ही बताओ ये नाटक नहीं करती तो मैं क्या करती? अभिमन्यु समझ जाता है कि कुछ उसकी भी गलती थी इसलिए वो चुप रहता है। वो समझ जाता है कि उसे कम से कम पलक का कॉल तो उठा ही लेना चाहिए था, पर वो भी बेचारा क्या करता, वो खुद युग के साथ गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, ऐसी मुसीबत में जिसके बारे में वो पलक को नहीं बता सकता था। जब अभिमन्यु कुछ नहीं कहता तो पलक ही बोल पड़ती है, वो कौन है अभी? अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, वो कौन है मतलब? पलक अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है, वही अभी जिससे तुम प्यार करते हो, कौन है वो लड़की अभी? अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो पलक, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं। पलक पलट कर कहती है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते अभिमन्यु, तुम्हारी आंखें साफ बयां कर रही हैं कि तुम किसी लड़की से प्यार तो करते हो पर वो मैं नहीं। अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है पर कुछ नहीं कहता है। पलक फिर बोल उठती है, तुम्हारी आंखों में किसी के लिए बेनतहा प्यार नजर आता है, अभी तुम किसी ना किसी से तो प्यार करते हो, बस मुझे बता नहीं रहे हो, तभी तो जब भी मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तुम मुझसे दूर जाने लग जाते हो, मुझे अपने आप को छूने तक नहीं देते हो, और ऐसा तभी होता है जब आप किसी से बेनतहा प्यार करते हो, अपने मन और तन को किसी और के लिए संभाल कर रखा हो, क्योंकि आपके मन और तन पर बस आपके प्रेमी का हक होता है। अभिमन्यु सारी बातों से छुटकारा पाने के मकसद से पलक को बहकाते हुए कहता है, लगता है पलक सीढ़ियों से गिरने के कारण तुम्हारा दिमाग ना ठिकाने में नहीं है, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। पलक कहती है, नहीं अभी, मेरा दिमाग मेरे ठिकाने पर है, जब से तुम अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने गए हो तब से बदल से गए हो, जब तुम मुझसे मिलने आते थे उस वक्त भी कहीं खोए हुए रहते थे, जैसे बस फॉर्मेलिटी के लिए मिलने आ रहे हो, तुम्हारा मन कहीं और ही लगा रहता था, तुम आते तो लटका हुआ चेहरा लेकर, पर जाते वक्त बड़े खुश हो जाते थे जैसे किसी से मिलने जा रहे हो, बताओ अभी कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, मैं बस अपने आप से प्यार करता हूँ पलक, और किसी से नहीं, समझी तुम? अब ये बकवास करना छोड़ो और चुपचाप दवाई खाओ। इतना कहकर अभिमन्यु टेबल के पास जाता है, टेबल पर रखी दवाई उठाकर पलक को देने लग जाता है। पलक दूसरी तरफ अपना मुंह फेरते हुए कहती है, मैं दवाई नहीं खाऊंगी अभी। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, पलक देखो नाटक मत करो, चुपचाप दवाई खाओ। पलक कहती है, पहले मुझे उस लड़की का नाम बताओ अभी, तभी मैं दवाई खाऊंगी। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए फिर पलक से कहता है, देखो पलक मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप दवाई खाओ। पलक अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, अगर मैंने दवाई नहीं खाई तो? अभिमन्यु गुस्से के साथ पलट कर कहता है, अगर तुमने दवाई नहीं खाई पलक तो समझ लेना ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है पलक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लग जाती है। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, तुम अच्छे से जानती हो पलक मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, इसलिए चुपचाप दवाई खा लो अगर मुझसे फिर से मिलना है तो, वरना भूल जाओ सब। इतना कहकर अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, पलक भी चुपचाप अभिमन्यु के हाथ से दवाई उठाती है और खा लेती है। पलक की दवाई खाते ही अभिमन्यु कहता है, मैं जा रहा हूँ पलक, और अब ऐसा नाटक फिर कभी मत करना, मुझे जैसे ही काम से वक्त मिलेगा मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। पलक पलट कर कहती है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो अभी तुम कि अभी तक खत्म ही नहीं हुआ? अभिमन्यु पलट कर कहता है, तुम्हें पता है ना पलक प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट होते हैं, उनके बारे में किसी को बताया नहीं जाता, ये भी संस्था का एक रूल है। पलक पलट कर कहती है, पर अभी मुझसे क्या छुपाना? अभिमन्यु नम लहजे के साथ कहता है, कुछ चीजें छुपानी पड़ती है पलक, उसी में सबकी भलाई होती है।
इसी के साथ अभिमन्यु उस कमरे से बाहर की तरफ जाने लग जाता है। अभी अभिमन्यु दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी पलक उसको टोकते हुए फिर बोल पड़ती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो अभी, यहाँ अकेले मेरा दम घुटता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ काम करना है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता पलक, ना ही तुम्हारी ऐसी हालत है कि तुम मेरे साथ काम कर सको, पहले अच्छे से ठीक हो जाओ। पलक नम लहजे के साथ कहती है, प्लीज अभी ले चलो ना मुझे अपने साथ। अभिमन्यु कहता है, नहीं पलक मैं नहीं ले जा सकता, बात को समझो। पलक कहती है, तुम मुझे नहीं ले जा रहे तो मत ले जाओ अभी, पर देखना मैं खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभिमन्यु पलक की एक नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अभिमन्यु पलक की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जैसे ही अभिमन्यु कमरे से बाहर निकलता है, वो अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो दैवीय झरने के पास सबके साथ खड़ा हुआ था और सबको उसके और पलक के बारे में सब कुछ बता रहा था। सभी लोग बड़े गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, उस हादसे के बाद से ही पलक मेरे साथ है, वो बेचारी जाती भी कहां, उसका इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं था। उस हादसे ने उससे उसकी दोनों बहनों को छीन लिया था, उसे एक बार फिर से अनाथ कर दिया था। इसी बात के साथ अभिमन्यु अपनी बात खत्म कर देता है। जैसे ही अभिमन्यु अपनी बात खत्म करता है, एक अजीब सी खामोशी पूरे मंजर में छा जाती है। हर किसी की निगाहें पलक की तरफ थी। पलक के लिए सभी के दिल में हमदर्दी जग चुकी थी। पलक बड़े प्यार से अभिमन्यु से कहती है, तुमने ठीक कहा अभी, मेरा इस दुनिया में तुम्हारी सिवा कोई नहीं है, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अभिमन्यु कुछ कहने ही वाला था कि तभी डायना कुछ चिढ़ते हुए बोल पड़ती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है पलक कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, अब तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, अभी के साथ रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पलक बड़ी चालाकी के साथ पलट कर कहती है, मुझे जहां जाना था वहां मैं आ चुकी हूँ डायना, अपने अभी के पास। वैसे जब से देख रही हूँ एक तुम ही हो जिसे मुझसे सबसे ज्यादा दिक्कत है, मेरे बारे में जानने की पड़ी है, कहीं तुम ही तो वो लड़की नहीं हो जिससे अभी प्यार करता है। जैसे ही पलक ये बात बोलती है, डायना और अभिमन्यु दोनों के दिल की धड़कन तेज चलने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। डायना और अभिमन्यु में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही पलक खुद ही बोल पड़ती है, नहीं नहीं तुम वो लड़की नहीं हो सकती, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं और सफेद भी हो रहे हैं, अभी को लंबे बालों वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे तो मेरी तरह छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है। डायना गुस्से के साथ पलक को घूरने लग जाती है। वो पलक से फिर कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही अभिमन्यु पलक से बोल पड़ता है, डायना के साथ मजाक करना छोड़ो पलक, और ये बताओ तुम यहाँ तक आई कैसे, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ, ना ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया था। पलक अपने दोनों भवे ऊपर करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा था अभी कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला है, तुम जानते हो ना मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है पलक, एक पल में बदल दो सबकी झलक। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, ये नौटंकी करना बंद करो पलक और सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। पलक नम लहजे के साथ अभिमन्यु से कहती है, बात यह है अभी कि मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि उस हादसे के बाद तुम्हें संस्था से निकाल दिया गया है। अभिमन्यु हैरानी के साथ पलक से पूछता है, तुम्हें ये बात पता लग गई थी, पर कब पलक? पलक जवाब देती है, मेरे कोमा से बाहर आने के एक महीने बाद संस्था के चीफ डायरेक्टर का मुझे कॉल आया था, तभी मुझे पता चला था कि तुम्हें वहां से निकाल दिया गया है। अभिमन्यु पूछता है, फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही? पलक पलट कर कहती है, कैसे कहती तुमसे ये बात अभी, तुम मेरे लिए इतना सब जो कर रहे थे, मैं तो खुद तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी, फिर तुमसे ही सवाल कैसे कर सकती थी, कैसे तुम्हारा दिल दुखा सकती थी, मुझे लगा कि एक ना एक दिन तुम खुद सब कुछ मुझे बता दोगे, मैं उसी दिन का इंतजार कर रही थी, पर कभी वो दिन ही नहीं आया। मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तुम अपने गाँव में ही हो। अभिमन्यु हैरानी के साथ पलक से पूछता है, तुम्हें ये बात कैसे पता पलक कि मैं अपने गाँव में ही हूँ? पलक अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये बात भी मुझे तुम्हारे कारण ही पता चली अभी। अभिमन्यु अपने दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहता है, मेरे कारण? पर कैसे? पलक पलट कर जवाब देती है, तुम्हें याद है अभी एक बार जब तुम मुझसे मिलने आए थे तो ये पूछ रहे थे कि यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए कोई नृत्य है क्या? अभिमन्यु कहता है, हाँ याद है,
और ये बात मैंने तुमसे इसलिए पूछी थी क्योंकि तुम्हें नृत्य की सभी विधा के बारे में पता है। वो नृत्य जिनसे पुरातन काल में देवतागण को प्रसन्न किया जाता था, उन्हें धरती लोक पर बुलाया जाता था नृत्य साधना करके। पलक कुछ कहती उससे पहले ही योग अभिमन्यु को घूरते हुए उससे पूछता है, अभिमन्यु तू यक्षिणी को प्रसन्न क्यों करना चाहता था? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, अभिमन्यु तू भी यक्षिणी का दीवाना था क्या? अभिमन्यु फौरन ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं कोई यक्षिणी का दीवाना नहीं था। बात सिर्फ ये है कि मुझे पता था कि 13 साल पहले यहीं किश्नोई नदी पर ही यक्षिणी मर्दों का शिकार करती थी, पर युग के पिता का शिकार करने के बाद उसकी हवस शांत हो गई है और उसने शिकार करने बंद कर दिए हैं। पर मुझे ऐसा लगता था कि यक्षिणी यहीं कहीं है, न कि ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है। इसलिए मैं यक्षिणी को प्रसन्न करके बुलाना चाहता था नृत्य साधना करके, ताकि जब यक्षिणी आए तो मैं उसे कैद कर लूं, पैरानॉर्मल संस्था वालों को ये कह सकूं कि मैंने एक यक्षिणी को अपने काबू में किया है, ताकि संस्था वाले मुझे वापस बुला लें। पर यक्षिणी ने, मेरा मतलब है कि यामिनी ने बाद में शिकार करना शुरू किया जब युग तू आ गया था तब। कोई अभिमन्यु से कुछ और पूछता उससे पहले ही पलक खुद से बोल पड़ती है, जब अभी तुम मुझसे यक्षिणी के बारे में पूछने आए थे ना, उसी वक्त मैं समझ गई थी कि हो ना हो जिस प्रोजेक्ट पर तुम खुद से काम कर रहे हो वो यक्षिणी पर ही है, क्योंकि आज तक तुमने कभी मुझसे मेरी नृत्य कला के बारे में नहीं पूछा था। मैं जानती थी कि तुम्हारा यक्षिणी से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, और पूरा मेघालय जानता है कि यक्षिणी कहाँ पाई जाती है, किश्नोई नदी के पास, और किश्नोई नदी के पास ही तो तुम्हारा गाँव था रोंका मुचा। इसलिए उस रात जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए तो मैंने सोच लिया था चाहे अब कुछ भी हो मैं तुम्हारे पास आकर ही रहूंगी, वो भी तुम्हें बिना बताए। और देखो मैं आ गई, मैं तो यहाँ पर आकर तुम्हारा घर ढूंढने वाली थी, पर महादेव की कृपा देखो उन्होंने खुद मुझे रास्ते में तुमसे मिलवा दिया। इतना कहकर पलक चुप हो जाती है। अभिमन्यु के साथ बाकी सब भी समझ जाते हैं कि पलक वहां तक कैसे पहुंची थी। कोई पलक से कुछ और पूछता उससे पहले ही पलक खुद बोल पड़ती है, एक बात मेरी समझ नहीं आई, तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम लोग किसी से भाग रहे हो, और ये तुम सबको इतनी सारी चोटें कैसे आई हैं? कछुआ झट से गुस्से के साथ बोल पड़ता है, ये सब चोटें हमें उस काले साए की वजह से आई है, वही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पलक हैरानी के साथ कहती है, काला साया? कौन काला साया? अभिमन्यु जानता था कि पलक से अब कुछ भी छुपाना ठीक नहीं था, उसे सब कुछ बताना ही बेहतर था, इसलिए अगले ही पल अभिमन्यु पलक को सब कुछ बता देता है, उससे कुछ नहीं छुपाता है। सारी बात सुनने के बाद पलक हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बस यक्षिणी ही नहीं बल्कि एक काला साया भी है जो यक्षिणी से भी ज्यादा पावरफुल है। अभिमन्यु कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। पलक समझ जाती है कि अभिमन्यु का क्या जवाब था। पलक यामिनी की तरफ देखते हुए कहती है, और ये यामिनी जो यक्षिणी तो है, पर वो यक्षिणी नहीं जो 13 साल पहले मर्दों की शिकार करती थी। यामिनी पलक की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ पलक मैं वो यक्षिणी नहीं हूँ, मैं उस यक्षिणी की बेटी हूँ यामिनी। पलक यामिनी से फिर पूछ पड़ती है, फिर वो यक्षिणी कहाँ पर है? यामिनी पलक के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मेरी माँ ग्रेवयार्ड कोठी में ही है, वहीं पर वो किसी कमरे में कैद है। पलक हैरानी के साथ कहती है, कैद है पर कैसे, उन्हें किसने कैद कर दिया? अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, काले साए ने और किसने पलक, कोमा से बाहर आने के बाद तुम मंदबुद्धि भी हो गई हो क्या पलक? अभी तो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया ना, फिर भी तुम ये फालतू के सवाल कर रही हो। पलक अभिमन्यु से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, अभी तुमने इतनी लंबी कहानी बताई है ना मुझे कि एक बार में सब कुछ समझना मुश्किल है, इसे अच्छे से समझने के लिए तुम्हें मुझे दोबारा सब कुछ बताना होगा, और मुझे पता है तुम मुझे दोबारा सब कुछ नहीं बताने वाले हो, इसलिए सब कुछ समझने के लिए मुझे क्रॉस क्वेश्चन तो पूछने ही होंगे ना, तभी तो मैं सब कुछ जान पाऊंगी। अभिमन्यु कहता है, तुम्हें अब कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है पलक, तुम्हें जितना जानना था वो तुम जान चुकी हो, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, अब तुम शांति के साथ चुपचाप बैठो, समझी? पलक फिर झट से बोल पड़ती है, बैठ जाऊंगी शांति के साथ, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मेरा आखिरी सवाल, इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछने वाली, अभी पक्का वादा। अभिमन्यु ये बात अच्छे से जानता था कि बिना सवाल पूछे पलक शांति के साथ नहीं बैठने वाली है, उसे बीच बीच में टोकने वाली है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ऊबते हुए पलक से कहता है, पूछो पलक क्या पूछना है तुम्हें, पर याद रखना बस आखिरी सवाल, इसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। पलक हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ अभी बस आखिरी सवाल, बस तुम मुझे इतना बता दो कि आखिर वो काला साया कौन है, तुमने मुझे सबके बारे में बताया, बस उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताया, कौन है वो
और वो ये सब क्यों कर रहा है? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, वही तो पता नहीं चल रहा पलक कि आखिर वो काला साया कौन है। अगर ये बात पता चल जाती कि वो काला साया कौन है तो उसका खेल कब का खत्म हो चुका होता। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेते उसका। पलक भी परेशान होते हुए कहती है, तो फिर अब तुम क्या करोगे? अभी तुम्हें पता है ना, किसी भी पैरानॉर्मल शक्ति से लड़ने के लिए उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उससे लड़ सकते हैं। अभिमन्यु कहता है, मुझे सब पता है पलक। मैंने भले ही पैरानॉर्मल संस्था में ज्यादा काम ना किया हो, पर वहां जो चीजें सिखाई गई थी वो मुझे अच्छे से याद है। पलक अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहती है, फिर अब तुमने क्या करने का सोचा है अभी? अभिमन्यु पलट कर जवाब देता है, अब हमें कुछ नहीं करना है पलक, बस अमावस्या आने का इंतजार करना है। मुझे चित्रा आंटी पर पूरा भरोसा है कि वो अमावस्या आने तक काले साए का कुछ ना कुछ तो जरूर कर देगी। युग बीच में ही बोल पड़ता है, पर मुझे भरोसा नहीं है अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है, भरोसा करना पड़ेगा युग, इसके अलावा हमारे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है, बस एक हफ्ते की तो बात है। डायना भी युग का साथ देते हुए कहती है, मुझे भी यही लगता है युग कि हमें इंतजार करना चाहिए, एक हफ्ते बाद ही अमावस्या है, तुम देखना तब तक चित्रा आंटी सब ठीक कर देगी। युग चिढ़ते हुए कहता है, क्या ठीक कर देगी डायना? बड़ी माँ और बड़े पापा को खो चुका हूँ मैं, उनकी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए उनका शरीर तक नहीं निकाल पाया हूँ हवेली से, और तुम कहती हो कि माँ सब ठीक कर देगी, वो कुछ ठीक नहीं कर सकती। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग देख, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, पर जो होने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। उनके बारे में मत सोच जिन्हें तू खो चुका है, जरा उनके बारे में सोच जो अभी जिंदा है। क्या तू इन्हें भी खोना चाहता है? जरा देख इनके चेहरे। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, युग अपने आसपास खड़े सभी दोस्तों की तरफ देखने लग जाता है जो बुरी तरह घायल थे। मुर्दों से लड़ने के कारण सभी को कहीं ना कहीं चोट लगी थी, और युग समझ गया था कि वो लोग भी मरते मरते बचे थे, वो अब दोबारा उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। युग खामोशी के साथ अभिमन्यु की बात मान लेता है, दोबारा पलट कर कुछ नहीं कह पाता है। दैवीय झरने के पास एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी थी, सभी का डर और घबराहट वहां पर आने के बाद मिट सी गई थी। मिटती भी कैसे नहीं, वो सब महादेव की शरण में जो आ गए थे। यामिनी इस चीज को अच्छे से महसूस कर रही थी। यामिनी झरने के पास बने शिवलिंग को देखते हुए कहती है, महादेव के पास आकर कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। महादेव ही है जिन्होंने अभी तक हम सबको सुरक्षित रखा हुआ है, उन्हीं की कृपा से हम सब यहाँ पर सुरक्षित पहुंच पाए हैं। यामिनी ने अभी ये बात बोली थी कि तभी अमोदिता झट से घबराते हुए बोल पड़ती है, सब लोग सुरक्षित नहीं पहुंचे हैं यामिनी, मेरे पापा और बल्लू काका अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यामिनी ने अभी ये बात बोली थी कि महादेव की कृपा से हम सब यहाँ पर सुरक्षित पहुंच पाए हैं, तभी अमोदिता झट से घबराते हुए बोल पड़ती है, सब लोग सुरक्षित नहीं पहुंचे यामिनी, मेरे पापा और बल्लू काका अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। कायर झट से बोल पड़ता है, वो आ जाएंगे अमोदिता, तुम घबराओ मत, वो आते ही होंगे बल्लू काका के साथ। अमोदिता गुस्से के साथ पलट कर कहती है, कैसे आ जाएंगे कायर, उन्हें थोड़ी इस झरने के बारे में पता है, ना ही बल्लू काका को पता है, फिर कैसे आ जाएंगे वो यहाँ पर, मुझे ही उन्हें लेने के लिए जाना पड़ेगा, मैं अभी जाती हूँ और उनको लेकर आती हूँ। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए झट से बोल पड़ती है, ये तो क्या बोल रही है नालायक लड़की, इतनी मुश्किलों के बाद तो यहाँ पर सुरक्षित पहुंचे हैं और तू यहाँ से जाने की बात कर रही है। अमोदिता रजनी से कहती है, हाँ जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, अपने पापा के लिए मैं जरूर जाऊंगी। माँ तुम्हें भले ही पापा से प्यार ना हो, पर मुझे अपने पापा से बहुत प्यार है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। अमोदिता रोते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है, उनकी किस्मत ही खराब है, इससे अच्छा तो ये होता कि वो जेल से बेल लेकर आते ही नहीं, एक तो इतने दिनों तक उस कमली के खून के आरोप में जेल में बंद थे, और कल रात जब बेल से छूट कर आए तो आज रात ही ये कांड हो गया। रजनी टोंट मारते हुए कहती है, तेरे बाप ने क्या कम कांड किए थे, भूल गई वो उस कमली के पास क्या करने जाता था, उसका जो होना होगा हो जाएगा, तू सही सलामत है, उसकी खैर मना। अमोदिता रोते हुए रजनी से कहती है, माँ कैसी पत्नी हो तुम, तुम्हें तो मुझे अपनी माँ भी कहने में शर्म आती है, तुम्हें अपने पति की कोई फिक्र है भी या नहीं? रजनी गुस्से के साथ कहती है, वो आदमी जो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरी औरत के पास जाता हो, उसे मैं अपना पति नहीं मान सकती, समझी तू,
जिस रात वो कमली के पास पहली बार अपनी भूख मिटाने के लिए गया होगा उसी रात मेरी मांग से उसके नाम का सिंदूर मिट गया। मैं उसे अपना पति नहीं मानती, समझी तू? अमोदिता नम लहजे के साथ कहती है, वाह माँ वाह, क्या बात बोली है तुमने। पापा के गिरेबान में तो झांक लिया, पर जरा अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखो कि तुमने क्या क्या कांड किया है, कितने टोने टोटके किए हैं, अपने ही लोगों पर पुतली टोना किया है। हम इंसानों की ना यही सबसे बड़ी खामी होती है, हम दूसरों की गलती को तो देख लेते हैं पर अपनी गलती को कभी नहीं देखते। बस इंसान की एक गलती करने की देर होती है और फिर हम उससे नफरत करने लग जाते हैं, उसके अंदर की सारी अच्छाई को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि उस शख्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम उसकी एक गलती को भी माफ नहीं कर पाते। रजनी अमोदिता की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं दे पाती है। अमोदिता ने रजनी को खामोश रहने के लिए मजबूर कर दिया था। रजनी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अमोदिता इतनी तर्क भरी बातें कैसे करने लग गई थी, वो नालायक लड़की से समझदार लड़की कैसे बन गई थी। अमोदिता फिर खुद से बोल पड़ती है, तुम्हें भले ही पापा की फिक्र ना हो पर मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र है, मैं जाऊंगी उन्हें ढूंढने के लिए। रजनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी युग बोल पड़ता है, अब तुम कहीं मत जाओ अमोदिता, तुम्हें पता है ना बाहर कितना खतरा है, वो मुर्दों की सेना हमारे लिए ही बाहर घूम रही है, फिर भी तुम बाहर जाना चाहती हो? अमोदिता हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर युग जी पापा। अमोदिता इसके आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी युग फिर बोल पड़ता है, वो सही सलामत होंगे अमोदिता, तुम उनकी चिंता मत करो, जिस तरह महादेव ने हमें सुरक्षित रखा है उसी तरह उन्हें भी रखा होगा, महादेव पर विश्वास रखो। यामिनी भी युग का साथ देते हुए बोल पड़ती है, युग बाबू सही बोल रहे हैं अमोदिता, अब तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। कायर झट से बोल पड़ता है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बाहर जो मुर्दे घूम रहे हैं वो बल्लू काका और सुदेश अंकल को कुछ करेंगे। कछुआ तुरंत कायर से पूछ पड़ता है, तू कैसे कह सकता है कायर कि वो मुर्दे सुदेश अंकल और बल्लू काका को कुछ नहीं करेंगे? कायर कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो इसलिए कछुआ क्योंकि वो मुर्दे तो तारा के पीछे पड़े हैं ना, और तारा थोड़ी उनके साथ है, बिंदु को भी तो उन मुर्दों ने कुछ नहीं किया था, बिंदु भी तो उन मुर्दों के साथ ही चलकर आई थी, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुर्दे उन दोनों को कुछ नहीं करेंगे। कायर बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों बिंदु, वो मुर्दे कुछ नहीं करेंगे ना उन्हें? बिंदु हिचकिचाहट के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ नहीं करेंगे कायर, कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे भी पहले कुछ नहीं किया था, वो तो जब तुम्हारा साथ देने लग गई तब मुझ पर हमला किया। जब बिंदु और कायर ये बात बोलते हैं तब जाकर अमोदिता की जान में जान आती है और उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है, वो बाहर जाने से अपना मन हटा लेती है। अभिमन्यु भी अमोदिता से कहता है, बस एक हफ्ते की बात है अमोदिता, रुक जाओ एक हफ्ता। अमोदिता शिवलिंग की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, कैसे गुजरेगा महादेव पापा के बिना ये एक हफ्ता, अब सब आपके ही हाथ में है महादेव, सब कुछ ठीक कर देना। चार दिन बाद रात का वक्त था और काली साड़ी पहने हुए चित्रा रोंगामुचा गांव के अंदर थी, वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। काली बारिश में चित्रा की काली साड़ी पूरी तरह बारिश की बूंदों से भीग चुकी थी, चित्रा के माथे पर बड़ी बड़ी बारिश की बूंद थी, इस वक्त भी उसने अपनी मोटी सी लंबी चोटी का जूड़ा बांध कर रखा हुआ था। चित्रा ने अपनी पीठ पर एक काले रंग का झोला टांगा हुआ था जो काफी फूला हुआ था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ हो। चित्रा बार बार अपने अगल बगल पीछे देखते हुए सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डर रही हो। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे वंदना और उसकी मदद लेनी ही होगी, तभी मैं इस काम में कामयाब हो पाऊंगी और उस काले साए को हरा पाऊंगी। चित्रा काले साए के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है, उस काले साए को लगा होगा कि उसकी कमजोरी मुझे पता नहीं चलेगी, पर वो ये शायद भूल गया कि वो खुद अपने हाथों अपनी मौत लिख चुका है। पहले हम सब मिलकर उसकी कमजोरी से उसको कमजोर करेंगे, उसके बाद उसको आजाद करवा कर उसके हाथों उस काले साए को मरवा देंगे। उस काले साए का अंत होने से अब कोई नहीं रोक सकता, वो काला साया खुद भी नहीं। चित्रा की आंखों में एक जोश और जुनून था उस काले साए को मारने का, उसको ही मारने की प्लानिंग बनाते हुए चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। चित्रा चल ही रही थी कि तभी उसे बीती बातें याद आने लग जाती हैं। चित्रा बीती बातों को याद करते हुए नम लहजे के साथ कहती है, उस रात इत्तेफाक से काला झाड़ी जंगल के अंदर मैं अपने बेटे युग से तो मिली, पर उस काले साए की वजह से मैं अपने बेटे युग के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, अपने बेटे से एक लफ्ज तक कह नहीं पाई। कितने सवाल कर रहा था उस रात मेरा बेटा मुझसे, और उसके सारे सवालों के जवाब जानते हुए भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा।
मैं मजबूर थी, लाचार थी उसके सामने। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए खुद से कहती है, पर अब और नहीं। उस काले साए के साथ ही उसकी बुराई का अंत भी होने वाला है और उसके बाद मैं अपने बेटे युग से मिलूंगी। उसे सारी सच्चाई बताऊंगी जो अब तक मैंने उससे छुपा कर रखी है। अपने बेटे से कुछ नहीं छुपाऊंगी, उसे सब कुछ बता दूंगी। चित्रा युग को याद करते हुए कहती है, मैं अपना वादा पूरा करूंगी युग बेटा, तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। और देखना, जिस दिन तुम्हें मैं सारा सच बताऊंगी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ उतनी बुरी नहीं है जितना तुम मुझे समझते हो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। चित्रा अपने कदम बढ़ाते हुए ही अतीत की यादों में चली जाती है। उन अतीत की यादों में जब वो काला झाड़ी जंगल में मिलने तो वंदना से आई थी, पर वंदना का पीछा करते करते युग और उसके बाकी दोस्त भी वहां पर पहुंच गए थे। और युग तो इत्तेफाक से सीधे चित्रा से मिल गया था। इस वक्त चित्रा काला झाड़ी जंगल के अंदर थी और उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि युग खड़ा हुआ था, जो बार बार उससे कोई ना कोई सवाल पूछे जा रहा था, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, बस मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। युग चित्रा से पूछता है, तुम प्रशांत अंकल के साथ ही भागी थी ना माँ? बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई थी तुमने और प्रशांत अंकल ने मिलकर, पर मैं तुम दोनों का पूरा प्लान समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रशांत अंकल तुम्हारे साथ भागे थे। यक्षिणी ने कोई उनको शिकार नहीं बनाया था, बस गांव में झूठी अफवाह फैली थी उनकी मौत की। ये सब भी तुमने ही किया था ना माँ? बोलो, ऐसा क्यों किया था तुमने माँ, क्यों किया था? युग के मन में जो आ रहा था वो चित्रा से बोलते जा रहा था, पर चित्रा कुछ नहीं कह रही थी, बस खामोशी के साथ चुप्पी साध कर खड़ी हुई थी। युग फिर गुस्से के साथ चित्रा से कहता है, कुछ तो बोलो माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मुझे सच सुनना है तुम्हारे मुंह से। काली बारिश के बरसने की रफ्तार तेज हो जाती है, बादल और तेजी के साथ गरजने लगते हैं। युग चित्रा से बार बार सवाल कर ही रहा था कि तभी चित्रा को किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है, जो युग के पीछे से झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। चित्रा उस आहट को सुनकर मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है कोई आ रहा है। युग के अलावा कोई मुझे देखे उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। अभी मैं किसी के सामने नहीं आ सकती हूँ, मुझे सबसे छुप कर रहना है। देखते ही देखते चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। चित्रा युग से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाती है, उसके होंठ हिलने लग जाते हैं। युग लालसा के साथ हड़बड़ाते हुए कहता है, बोलो माँ, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? कौन है वो काला साया माँ, बोलो, बताओ मुझे। चित्रा अपना सीधा हाथ उठाती है और युग की तरफ इशारा करने लग जाती है। युग अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है, उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा उससे कहना क्या चाहती थी। चित्रा अपनी नजरों से इशारा करते हुए युग को पीछे देखने के लिए कहती है। युग तुरंत पीछे मुड़ता है। चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। युग का ध्यान भटक गया है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। युग झाड़ियों की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ से कोई और नहीं बल्कि यामिनी आ रही थी। यामिनी युग के पास पहुँचते उससे पहले ही चित्रा वहाँ से निकल जाती है, वो वहाँ से भागने लग जाती है। चित्रा भागते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे भागना होगा, भागना होगा यहाँ से, मैं अब किसी की नजरों में नहीं आ सकती हूँ। उसके अंदर जितनी ताकत थी वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ से भागने लग जाती है। चित्रा भागते रहती है और जब युग और उसके बाकी के दोस्त चित्रा को ढूंढते हुए उसके करीब पहुँचने लग जाते हैं, तो वो वहीं कहीं जगह देख कर छुप जाती है। अंधेरा बहुत ज्यादा था, जिसके कारण किसी की भी उस पर नजर नहीं पड़ती है। जब युग के दोस्त वहां से चले जाते हैं, तब चित्रा झाड़ियों से बाहर निकलती है और फिर भागने लग जाती है। वो बस भागते रहती है, उसका एक ही मकसद था, युग और उसके दोस्तों की नजरों से बचना। वो उनके सामने नहीं आना चाहती थी और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है। किसी तरह से वो उनकी नजरों से बच निकलती है। चित्रा अभी भी काला झाड़ी जंगल के अंदर ही थी और भागी जा रही थी। भागते भागते वो थकने लग जाती है और वो रुक जाती है। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने वंदना से कह तो दिया कि मैं अमावस्या से पहले उस काले साए का अंत कर दूंगी, पर कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अभी इस वक्त जाऊं कहां। ना मैं हवेली जा सकती हूं, ना ही ग्रेवयार्ड कोठी, क्योंकि वहां ग्रेवयार्ड कोठी में तो खुद वो काला साया है। चित्रा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां पर जाए। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा हो। चित्रा घबराते हुए खुद से कहती है, युग और उसके दोस्त तो काला झाड़ी जंगल से चले गए हैं, फिर अब कौन आ रहा है? ये किसकी आहट है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।
चित्रा घबराते हुए खुद से कहती है, युगो और उसके दोस्त तो कालाझाड़ी जंगल से चले गए, फिर अब कौन आ रहा है? ये किसकी आहट है? चित्रा ने अपनी नजरें झाड़ियों की तरफ टिका दी थी। वो एक टक नजर से उसी तरफ देखे जा रही थी। जैसे जैसे आहट की आवाज उसके करीब आते जा रही थी, चित्रा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उस तरफ से कौन उसके पास आ रहा है। झाड़ियां तेजी के साथ हिलने लग जाती हैं, जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकल रहा हो। देखते ही देखते झाड़ियों के अंदर से काली बिल्ली बाहर निकलती है। उस काली बिल्ली के बदन पर कई सारे घने बाल थे। वो बिल्ली दिखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी बिल्ली डायना के पास थी, जिसे वो लूसी कहकर पुकारा करती थी, जो उसी रात गायब हो गई थी जिस रात वो काला साया डायना के सामने आया था और उसने उस पर हमला किया था। उसी रात सब लोगों ने मिलकर ग्रेवयार्ड कोठी भी खाली कर दी थी। चित्रा उस बिल्ली को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाती है, ये तो लूसी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? लूसी भी अपनी बड़ी आंखें करके एकटक नजर से चित्रा को ही देख रही थी। उसकी चित्रा पर से नजर ही नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी चित्रा को पहले से जानती हो और उसके स्वागत में अपना सिर नीचे झुका रही हो। देखते ही देखते लूसी चलते हुए चित्रा के पास जाती है और उसके एकदम सामने जाकर अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। चित्रा मन ही मन बड़बड़ाती है, ये लूसी को क्या हो गया, ये क्या कर रही है? चित्रा लूसी को हैरानी के साथ देख ही रही थी कि लूसी उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है, जैसे कि लूसी चित्रा के वहां पर आने से बहुत खुश हो और उसे प्यार कर रही हो। लूसी चित्रा के चारों तरफ घूमने के बाद वो चित्रा की विपरीत दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाती है, उससे दूर जाने लग जाती है। चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, अब ये लूसी को क्या हो गया, ये कहाँ पर जा रही है? चित्रा एकटक नजर से लूसी को ही देखते रहती है। तभी लूसी रुकती है और पीछे पलटकर चित्रा को देखने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी उसको अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। चित्रा भी इस इशारे को समझ जाती है और वो बिना देरी करे लूसी के पीछे जाने लग जाती है। लूसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लूसी चित्रा को लेकर कहीं जा रही हो, पर कहाँ, ये बात चित्रा के भी समझ नहीं आ रही थी। लूसी बड़े ही धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी ताकि चित्रा आसानी के साथ उसके पीछे पीछे आते जाए। चित्रा भी वही कर रही थी, वो लूसी के पीछे जा रही थी। देखते ही देखते लूसी चित्रा को एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाती है जहां सामने जंगली लताओं से घिरी हुई एक दीवार थी। लताएं आपस में इस तरह से गुथी हुई थी कि वो लताओं की बड़ी सी दीवार नजर आ रही थी। उन जंगली लताओं से घिरी दीवार से होकर आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वही काला झाड़ी जंगल के अंत का आखिरी सिरा हो। वो दीवार जो जंगली लताओं से घिरी हुई थी, उसकी पत्तियां हरी थी। ये एक हैरान करने वाली बात थी कि काला झाड़ी जंगल के अंदर के सभी पेड़ पौधे लताएं काले पड़ गए थे, पर ये जंगली लताएं अभी तक हरी थी। काली बारिश का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। चित्रा अपने सामने बनी लताओं की दीवारों को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये कौन सी जगह है? मैं इतने सालों तक यहाँ पर रही, पर आज से पहले इस जगह पर कभी नहीं आई हूँ। यकीन नहीं होता कि काला झाड़ी के अंदर एक ऐसी भी लताओं से भरी हुई दीवार है, पर इस जंगली लताओं की पत्तियाँ काली क्यों नहीं है? आगे जाने का कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लूसी उसी लताओं से घिरी दीवार के सामने खड़ी हुई थी। देखते ही देखते लूसी उन लताओं को पार करते हुए उस लताओं से बनी दीवार के अंदर घुस जाती है। चित्रा जब लूसी को अंदर घुसते हुए देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये लूसी कहाँ पर चली गई? क्या इसके आगे भी कोई रास्ता है? पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, फिर ये लूसी कैसे अंदर चली गई? चित्रा के समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लूसी के पीछे जाए या ना जाए, पर उसके पास लूसी के पीछे जाने के अलावा इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर रहने वाली थी और कैसे उस काले साए का अंत करने वाली थी, इसलिए वो अपने दिल पर हाथ रखती है और चुपचाप लताओं को अपने हाथों से हटाते हुए अंदर घुस जाती है। चित्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गुफा के अंदर घुस रही हो। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना अंधेरा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। जैसे ही अंधेरा छटता है उजाला होता है। चित्रा ऐसी जगह पर आ जाती है कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास करने में कठिनाई होने लग जाती है। वो बुरी तरह फंस जाती है कि अपनी आंखों पर यकीन करे भी या नहीं, कहीं ये कोई सपना तो नहीं था। चित्रा के सामने एक बड़ा सा खुला मैदान था जहां पर बीचों बीच एक पुराना सा लकड़ी का घर बना हुआ था जिसकी हालत खस्ता थी, जो कभी भी ढह सकता था। उसके पास ही एक बड़ा सा तालाब था जो कि पूरी तरह सूख चुका था। उसके अंदर एक बूंद तक पानी नहीं था। आसपास भी एक भी हरा पौधा नहीं था।
पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वहां पर काली बारिश नहीं हो रही थी, जैसे लताओं से बनी दीवार को पार करने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में आ गई हो। चित्रा उस जगह को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई थी। उसके कदम ठहर से गए थे वहां पर आकर। लूसी मैदान के एकदम बीचों बीच बने घर के पास आकर रुक जाती है, जैसे लूसी का मकसद सिर्फ चित्रा को वहां पर लाना था जिसमें वो कामयाब हो चुकी थी। चित्रा की नजर भी उस लकड़ी से बने हुए घर पर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लकड़ी का घर चित्रा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, उसे अपने पास बुला रहा हो। चित्रा का मन भी उस घर के पास जाने का करने लग जाता है। चित्रा उस घर को देखते हुए खुद से कहती है, ये घर किसका है? कौन रहता होगा यहाँ पर? यहाँ पर कोई रहता भी होगा या नहीं? उस घर को देखकर चित्रा के मन में हजारों सवाल आते हैं। देखते ही देखते चित्रा उस घर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। चित्रा उस घर के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। उस घर का दरवाजा भी लकड़ी से बना हुआ था। चित्रा उस घर के दरवाजे को खटखटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे के बीचों बीच उभरी हुई जगह पर पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर कुछ बना हुआ हो, पर जाले और धूल जमने के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चित्रा दरवाजे की धूल को अपने हाथ से साफ करते हुए कहती है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? इतना कहकर चित्रा दरवाजे पर जमे धूल जाले को साफ करने लग जाती है। जैसे ही दरवाजे पर से चित्रा जाले धूल साफ करती है तो देखती है कि वहां पर 5 निशान बने हुए थे। पहला निशान था पानी की बूंद का, दूसरा आग का, तीसरा बवंडर का, चौथा इन्फिनिटी और 5वां निशान था एक आंख का। चित्रा उन 5 निशानों को बड़े गौर से देखते हुए उन पर हाथ फेरने लग जाती है, जैसे वो उन निशानों को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। चित्रा उन निशानों को देखते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन निशानों को पहले भी कहीं पर देखा है, पर कहां? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? चित्रा उन निशानों के बारे में याद करने लग जाती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ खुद से बोल पड़ती है, याद आया, ये तो वही निशान है जो अनुराग के शरीर पर थे, पर ये निशान यहाँ पर कैसे? चित्रा उन 5 निशान को बड़े गौर से देख ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उस 5वें निशान के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर एक और निशान हो। वो जगह भी कुछ उभरी हुई लग रही थी। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ उस जगह पर जमी धूल साफ करने लग जाती है। जब धूल हटती है तो वो देखती है कि उसका अंदाजा एकदम सही था। वहां पर एक और निशान था और वो निशान किसी और चीज का नहीं बल्कि चोटी का था। वहां पर एक मोटी लंबी सी नागिन की तरह रेंगती एक चोटी बनी हुई थी। चित्रा उस निशान को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये तो चोटी का निशान है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? चित्रा के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर के दरवाजे पर इतने सारे निशान क्यों बने हुए थे। चित्रा आवाज लगाती है, कोई है? कोई है क्या? किसी का कुछ जवाब नहीं आता है। घर की हालत देखकर चित्रा अब समझ गई थी कि वहां पर कोई नहीं रहता था। वो घर इस लायक नहीं था कि वहां पर कोई रह सके। चित्रा धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दरवाजे को धक्का दे देती है। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, जिस कारण वो चित्रा के धक्का देते ही करकराते हुए खुल जाता है। जब चित्रा कमरे के अंदर घुसती है तो वहां पर हर तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। इतना अंधेरा कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। अभी चित्रा घर के अंदर गई ही थी कि तभी वहां पर लूसी आ जाती है। जैसे वो कमरे के अंदर आती है, लूसी की आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती है। उसकी आंखों से पीली रोशनी निकलने लग जाती है, इतनी रोशनी कि चित्रा को कमरे के अंदर रखा सामान दिखने लग जाता है। जब चित्रा कमरे के अंदर अपनी नजरें फेरती है तो देखती है कि हर जगह जाले और धूल जमी हुई थी। कमरे के अंदर ही एक बेड रखा हुआ था, साथ में वहां पर रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी रखा हुआ था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर पहले कोई रहता हो, पर वहां पर रखे सामान सदियों पुराने थे। बेड के पास ही एक छोटी सी ओखली रखी हुई थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जड़ी बूटी कूटी जाती थी। वहीं पर चित्रा को एक मशाल भी नजर आती है, जिसके बगल में 2 नुकीले पत्थर रखे हुए थे। चित्रा उन पत्थरों को आपस में रगड़ती है और जैसे ही चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी की मदद से चित्रा मशाल में आग लगा लेती है। मशाल में आग लगते ही कमरे के अंदर रोशनी होने लग जाती है। चित्रा उस कमरे की दीवारों को बड़े गौर से देखने लग जाती है। चित्रा अपने आसपास देखते हुए खुद से कहती है, आखिर ये घर है किसका? कौन रहता था यहाँ पर? कितनी पुरानी चीजें हैं यहाँ पर? चित्रा कमरे के अंदर अपनी नजरें फेर ही रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर रखी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वो कुल्हाड़ी एक आम कुल्हाड़ी से काफी बड़ी थी। वो कुल्हाड़ी पीतल की बनी हुई थी। चित्रा उस कुल्हाड़ी को उठाने की कोशिश करती है, पर वो कुल्हाड़ी इतनी ज्यादा भारी थी
कि वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी। चित्रा उस कुल्हाड़ी को उठाने की फिर भी कोशिश करे जा रही थी, तभी वो देखती है कि उस कुल्हाड़ी पर भी 5 निशान बने हुए थे, वही 5 निशान जो दरवाजे पर बने हुए थे। चित्रा कुल्हाड़ी पर बने निशानों को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये निशान तो यहाँ पर भी बने हुए हैं, आखिर इन निशानों का मतलब क्या है, और ये कुल्हाड़ी इतनी भारी कैसे हो सकती है कि मुझसे हिल तक नहीं रही है। जब कई कोशिश करने के बाद भी चित्रा से वो कुल्हाड़ी नहीं उठती है, तो चित्रा उस कुल्हाड़ी को वहीं पर छोड़ देती है और कमरे के अंदर रखे बाकी के सामान पर अपनी नजरें फेरने लग जाती है। चित्रा कमरे के अंदर रखे बाकी के सामान पर अपनी नजरें फेरी रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे के अंदर एक और सामान पर पड़ती है, एक ऐसा सामान जिसको देखकर चित्रा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। चित्रा के हाथ एक धातु से बनी हुई गोल कटोरी नुमा बर्तन था जो पूरी तरह काला था, जिसके पीछे चोटी का निशान उभरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे पर बना हुआ था। चित्रा उस बर्तन को देखते हुए कहती है, ये तो वैसा ही बर्तन लग रहा है जिसके बारे में मुझे एक बार अनुराग ने बताया था। ये तो भक्षक पात्र है, वो पात्र जिसमें डायने अपने शिकार का मांस खाया करती थी, खून ग्रहण करती थी। ये पात्र यहाँ पर कैसे, आखिर मैं हूँ कहाँ पर, ये घर किसका है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। चित्रा उस बर्तन को देखते हुए कहती है, ये तो वैसा ही बर्तन लग रहा है जिसके बारे में मुझे एक बार अनुराग ने बताया था। ये तो भक्षक पात्र है, वो पात्र जिसमें डायने अपने शिकार का मांस खाया करती थी, खून ग्रहण करती थी। ये पात्र यहाँ पर कैसे, आखिर मैं हूँ कहाँ पर, ये घर किसका है? चित्रा कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर जिस घर के अंदर वो मौजूद थी वो घर किसका था। चित्रा कमरे के अंदर रखे सामान पर अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, मैं इतना तो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये घर किसी आम इंसान का नहीं है। जरूर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स रहता होगा जिसका तंत्र मंत्र काले जादू से नाता होगा, तभी ये सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है। इतना कहकर चित्रा कमरे के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे घर के अंदर कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो घर किसका है। चित्रा उस घर में रखे सामान को बड़ी बारीकी के साथ देख रही थी, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वहां पर रखा सामान इतना ज्यादा पुराना था कि कुछ सामान देखकर तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि सदियों पहले उस सामान का क्या यूज किया जाता होगा। जब लूसी देखती है कि चित्रा कमरे के अंदर के सामान को देख रही है, तो वो धीरे से उस घर से बाहर निकल जाती है। चित्रा को इस बात की भनक तक नहीं लगती है, उसे भनक लगती भी कैसे, वो तो बड़े गौर से घर के अंदर मौजूद सामान को देखने में लगी हुई थी। चित्रा कमरे के अंदर मौजूद सामान को देख ही रही थी कि तभी उसे एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे पास आओ, मेरी कहानी पढ़ो, पढ़ो मेरी कहानी। चित्रा घबराते हुए हकलाहट के साथ खुद से कहती है, ये कैसी आवाज थी? उस आवाज को सुनकर चित्रा इतना घबरा गई थी कि वो अपनी जगह पर से हिल तक नहीं पा रही थी, वो इतना ज्यादा डर गई थी। चित्रा को फिर एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, आ मेरे पास आ, मेरी कहानी पढ़, आजा आजा मेरे पास, पढ़ मेरी कहानी। चित्रा अपने आसपास देखने लग जाती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। एक बार फिर जब वो फुसफुसाती आवाज सुनाई आती है, तो चित्रा देखती है कि वो आवाज कमरे के कोने में से आ रही थी, वो कोना जो अभी भी अंधेरे से लिपटा हुआ था। मशाल की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिस कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर था क्या, वहां बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। चित्रा दबे पांव जलती हुई मशाल के पास जाती है और धीरे से उसे अपने हाथ में उठाकर उस अंधेरे से लिपटे कोने की तरफ जाने लग जाती है, जहां से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे चित्रा उस तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज होते जा रही थी। जब वो मशाल लेकर उस कोने में पहुंचती है, तो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज कैसी थी, कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था। कुछ देर के लिए चित्रा सोच में पड़ जाती है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। पहले लूसी का दिखना, उसे इस अनजानी जगह पर लाना, और फिर उसके बाद उस फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज का आना, आखिर क्या मतलब था इन सब चीजों का।
चित्रा मशाल लेकर दीवार के कोने के पास वहां पर खड़ी ही हुई थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। जब वो उस दीवार को देखती है तो उसकी उस दीवार से नजर ही नहीं हट पाती है। उस दीवार पर कई सारे छोटे छोटे चित्र बने हुए थे। पूरी दीवार चित्रों से भरी हुई थी। करीब 25-30 चित्र उस दीवार पर बने हुए थे, वो भी अलग अलग। उन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रों के जरिए कोई कहानी बताने की कोशिश की गई हो। चित्रा उस दीवार पर बने चित्रों को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, अब ये क्या चीज है? इतनी सारी पेंटिंग यहाँ पर किसने की है, वो भी इस तरह? इतनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, इतनी अच्छी तो शायद मैं भी ना बना पाऊं। चित्रा दीवार पर बनी पेंटिंग को गौर से देखते हुए उसे समझने की कोशिश करने लग जाती है और कुछ ही देर में चित्रा को वो पेंटिंग समझ में आने लग जाती है। उसे वो पेंटिंग समझ में कैसे ना आती, वो खुद एक पेंटर जो थी। पहली पेंटिंग में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हो रहा था। वो एक काया की गोद में थी। उसके आसपास 3-4 औरत खड़ी हुई थी। एक औरत नीचे लेटी हुई थी जिसने अभी अभी उस बच्ची को अपनी कोख से जन्म दिया था। वो सभी औरतें बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन सभी औरतों के 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। साथ ही सभी की चोटी लंबी थी जो जमीन को टच हो रही थी, जिससे ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो कोई आम औरतें नहीं थी। चित्रा उस पहली पेंटिंग को देखते हुए कहती है, ये औरतें तो डायन की तरह लग रही हैं। चित्रा पूरी तरह श्योर होते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है, हाँ ये डायन ही है। उन्हीं की इतनी लंबी चोटी होती है और इस तरह नुकीले दांत होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक डायन का जन्म हुआ है, उसी के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। पर ये कोई आम डायन नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है। तभी सब लोग इतनी खुशी के साथ उसकी तरफ देख रहे हैं और उसे देखकर अपना सिर नीचे झुका रहे हैं। दूसरी पेंटिंग में वो औरत जिसने बच्ची को जन्म दिया था, वो अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए थी, जो उसी की तरफ देख रही थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बच्ची के लिए परेशान हो। चित्रा उस पेंटिंग को देखकर मन में सोचने लग जाती है, ये औरत तो परेशान नजर आ रही है, पर ये इतनी परेशान क्यों है? अभी तो ये पिछली पेंटिंग में बहुत खुश नजर आ रही थी, ऐसा क्या हो गया कि ये दुखी हो गई? चित्रा अच्छे से जानती थी कि उसके सवाल का जवाब भी उसी पेंटिंग में होगा, क्योंकि पेंटिंग के जरिए ही सब कुछ बताया गया था। चित्रा और गौर से उस पेंटिंग को देखने लग जाती है। चित्रा उस पेंटिंग को बड़े गौर से देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि पेंटिंग में बनी औरत के सीधे हाथ की उंगलियां उसकी बेटी के चेहरे पर थी और उसकी बेटी के चेहरे पर कई सारे फुंसी फोड़े थे। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए खुद से कहती है, ओह तो ये इसके चेहरे को लेकर परेशान है। ये बच्ची तो बचपन से ही डरावनी लग रही है, बाल भी बहुत बुरे उलझे सूखे हुए लग रहे हैं। हाँ इसकी माँ इसी वजह से परेशान है। आखिर बदसूरत लड़कियां बड़े होकर पसंद किसे आती हैं? हर कोई इन्हें बुरी नजरों से देखता है, चाहे वो फिर कोई डायन हो या आम लड़की। चित्रा अगली पेंटिंग की तरफ देखने लग जाती है जिसमें एक आदमी मरा पड़ा हुआ था जिसके गले से खून की धारा बह रही थी। वो माँ बेटी उसी मरे हुए आदमी के गले पर अपने नुकीले दांत एक साथ गड़ाए हुए थी। उन दोनों के मुंह पर ही खून सना हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उस आदमी का खून पी रहे हो। उस पेंटिंग में उस लड़की की उम्र करीब 8 साल होगी। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए कहती है, लगता है इस पेंटिंग में ये डायन अपनी बेटी को शिकार करना सिखा रही है, बता रही है कि किस तरह शिकार करके उसका खून पिया जाता है। आखिर डायन की कोख से जन्मी हुई बच्ची डायन ही तो बनेगी ना, वो थोड़ी कोई इंसान बन सकती है, ये बच्ची भी डायन ही है। अगली पेंटिंग भी सेम ही थी, बस बदलाव ये था कि उस पेंटिंग में वो औरत अपनी बच्ची को उसी आदमी का मांस खाना सिखा रही थी, पर उसमें कुछ बदलाव और भी थे। चित्रा उस पेंटिंग में जो बदलाव थे उन्हें नोटिस करते हुए कहती है, ये क्या, इस पेंटिंग में तो इस बच्ची की चोटी बड़ी हो चुकी है, साथ ही इसके चेहरे पर जो फोड़े फुंसियां थे वो भी बड़े हो चुके हैं, ये तो और भी ज्यादा बदसूरत लग रही है। इस पेंटिंग में पिछली पेंटिंग के मुकाबले इसके चेहरे पर ज्यादा फोड़े हैं। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, डायनो की शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये बच्ची शिकार करते जाएगी इसकी शक्तियां तो बढ़ेंगी, पर साथ ही ये बदसूरत भी होती जाएगी। तभी इसके चेहरे पर एकदम से इतने सारे फोड़े आ गए। ये डायन तभी बाकी की डायनो से अलग है क्योंकि बाकी की डायने शिकार करती है तो वो और ज्यादा खूबसूरत होती है, पर ये डायन शिकार करती है तो और ज्यादा बदसूरत होती है। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है।
अगली पेंटिंग के अंदर कई सारी डायने थी जो कई सारे इंसानों के अलग अलग तरीके से शिकार करके कुछ उनके मांस खा रही थी तो कुछ उनका खून पी रही थी। उन कई सारी डायनों के बीच एक डायन दूर से ही हाईलाइट हो रही थी और वो डायन वही थी जिसकी शुरुआत से ही कहानी दिखाई जा रही थी। उस डायन के हाईलाइट होने का कारण ये था कि वो उन डायनों में सबसे ज्यादा बदसूरत थी। बड़े होने के साथ ही वो और ज्यादा कुरूप हो चुकी थी। उस पेंटिंग के सबसे ऊपरी सिरे पर ही एक बड़ी डायन बैठी हुई थी जो कि काफी बूढ़ी थी। वो अपने हाथ में एक लॉकेट सामने की तरफ करके पकड़े हुए थी जिसके अंदर हरे रंग का हीरा लगा हुआ था। वो बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, उसके सफेद नहीं बल्कि हरे बाल थे। कई बार देखने के बाद भी चित्रा को वो पेंटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पेंटिंग के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई थी। वो बूढ़ी औरत कौन थी, उसके हाथ में कैसा लॉकेट था। चित्रा उस पेंटिंग में सबसे ऊपर जो बूढ़ी औरत बैठी उसके ही हरे बालों को देख रही थी। चित्रा की उसके हरे बालों से नजर ही नहीं हट रही थी। चित्रा उन हरे बालों को देख ही रही थी कि तभी उसे अनुराग यक्षिणी पर जो कहानी लिख रहा था वो याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि अनुराग ने यक्षिणी की कहानियों में जो किरदार थे उनके हर किरदार के बारे में अलग से ड्राफ्ट बनाकर लिखा हुआ था। एक बार सफाई करते वक्त वही ड्राफ्ट चित्रा के हाथ लग गया था। उस ड्राफ्ट पर चित्रा की नजर पड़ गई जिसे वो बड़े गौर से पढ़ने लग गई थी। चित्रा उस ड्राफ्ट के बारे में याद ही कर रही थी कि तभी उसे याद आता है कि महाडायन वाला जो किरदार था उसमें अनुराग ने साफ लिखा था कि जो महाडायन होती है उसके बाल हरे होते हैं। ये बात याद आते ही चित्रा को वो पेंटिंग भी समझ में आने लग जाती है। चित्रा सब कुछ समझते हुए कहती है, हरे बाल महाडायन के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेंटिंग के अंदर जो ये बूढ़ी औरत है वो महाडायन है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, और अनुराग के उस ड्राफ्ट के अनुसार हर 1000 साल बाद महाडायन का खिताब बदला जाता है। महाडायन उसे बनाया जाता है जो सबसे शक्तिशाली और उसके काबिल होती है। लगता है इस पेंटिंग में सभी डायनों में महाडायन बनने की रेस ही लगी हुई है, तभी इतनी बुरी तरह से इंसानों के शिकार करके उनका मांस और खून पी रही है। जो डायन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी ये हरे हीरे वाला लॉकेट देकर उसे ही महाडायन बनाया जाएगा। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है और अगली पेंटिंग में वो बूढ़ी औरत हरा लॉकेट उस बदसूरत डायन को पहना रही थी, पर उसके पीछे जो सुंदर डायने खड़ी हुई थी वो जरा भी खुश नजर नहीं आ रही थी। उनके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बूढ़ी औरत के बाद अगली महाडायन ये बदसूरत डायन बनी है। इसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। आखिर इसकी चोटी भी तो इन डायनों में सबसे ज्यादा लंबी है, तो महाडायन तो इसे ही बनना था। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है जिसके अंदर कई सारी डायने फिर इंसानों का शिकार कर रही हैं, उनका मांस खा रही हैं। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या, इस पेंटिंग में तो फिर से डायने शिकार कर रही हैं, पर ये ऐसा क्यों कर रही हैं? महाडायन का चुनाव तो हो चुका है, फिर ये इतनी तादाद में शिकार क्यों कर रही हैं? चित्रा उस पेंटिंग को जब गौर से देखती है तो नोटिस करती है कि उस पेंटिंग के अंदर महाडायन भी थी, पर वो किसी का भी शिकार नहीं कर रही थी। वो खामोशी के साथ खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। गले में लॉकेट पहनने की वजह से उसके बाल भी हरे हो गए थे जो अलग ही पहचान में आ रहे थे, पर उसका चेहरा और ज्यादा खराब हो चुका था, इतना कि कोई उसकी तरफ देखते ही दूसरी तरफ अपना मुंह फेर ले। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, अब इस पेंटिंग का क्या मतलब है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, अब इस पेंटिंग का क्या मतलब है? चित्रा बार बार उस पेंटिंग को बड़े गौर से देखती है, अपना पूरा दिमाग लगा देती है, पर उसके समझ ही नहीं आ रहा था उस पेंटिंग की क्या कहानी थी, उस पेंटिंग के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई थी। जब कई बार सोचने के बाद भी चित्रा के कुछ समझ नहीं आता है तो वो आगे वाली पेंटिंग देखने लग जाती है। उसे लगता है कि शायद आगे वाली पेंटिंग देखकर उसे कुछ समझ आ जाए, क्योंकि वहां पर बनी हर पेंटिंग कहीं ना कहीं एक दूसरी पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। उस अगली पेंटिंग में एक ऋषि मुनि भगवा रंग के कपड़े पहनकर तपस्या में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके सिर ख्यालों की तरह होते हुए दो ऊपर की तरफ चित्र निकल रहे थे। पहले ख्याली चित्र में महादेव थे जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे।
दूसरे ख्याली चित्र में डायनो का अंत हो रहा था। कई सारी डायने मर रही थी जिन्हें कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव अपने त्रिशूल की शक्ति से मार रहे थे। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही उसका मतलब समझ जाती है और खुद से बड़बड़ा पड़ती है। इसमें तो साफ समझ आ रहा है कि डायनो का अंत करने के लिए ऋषि मुनि महादेव की तपस्या की है। वो डायनो का अंत करना चाहते हैं महादेव के हाथों। चित्रा पिछली पेंटिंग जो उसे समझ नहीं आई थी उसे दोबारा देखती है, पर इस बार भी उसके कुछ समझ नहीं आता है और वो फिर से ऋषि मुनि की तपस्या वाली जो पेंटिंग थी उसके आगे वाली पेंटिंग को देखने लग जाती है, जिसमें महाडायन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पालकी मारकर बैठी हुई थी और बाकी सब डायने उसके सामने अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी, जैसे उन सब की कोई मीटिंग चल रही हो। उसी पेंटिंग के अंदर आसमान में चांद की अलग अलग कलाएं बनी हुई थी, चांद के घटते आकार से लेकर उसके बढ़ते आकार तक। यहाँ तक कि एक कला में तो अमावस्या की रात में किस तरह चांद छुप जाता है और नजर नहीं आता है, ये भी सूरज बनाकर दिखाया गया था। अमावस्या पूर्णिमा और अष्टमी के दिन जो चांद की कला होती है उसके अंदर लाल रंग से सर्कल बनाया गया था, जैसे खास तौर पर उस दिन को मार्क किया गया हो। चित्रा तीनों पेंटिंगों को एक साथ देखने लग जाती है। जैसे ही वो तीनों पेंटिंगों को एक साथ बारी बारी देखती है उसे समझ आता है कि आखिर उन तीनों पेंटिंगों का क्या मतलब था, वो पेंटिंग क्या कहना चाहती थी उससे। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये पहली पेंटिंग जिसमें महाडायन उदास है और बाकी सब डायने शिकार कर रही हैं। इस पेंटिंग के अनुसार महाडायन का तो चयन हो गया था, पर हजार साल बाद फिर से महाडायन का चयन होना था, जिसकी तैयारी सभी डायने अभी से करने लग गई थी। डायने जितनी ज्यादा इंसानों के शिकार करती वो उतनी ज्यादा ताकतवर होती, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। जो इंसान उन्हें नजर आता था उसे वो मार देती थी, किसी को भी नहीं छोड़ती थी। पर कहीं ना कहीं इस बात से महाडायन निराश थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर से मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान ही नहीं बचेंगे। अगर इंसान ही नहीं बचेंगे तो डायनो का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानों से ही डायनो की मांस और खून की आपूर्ति पूरी होती थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर से खुद से बोल पड़ती है। मानव जाति के अस्तित्व की चिंता ही ऋषि मुनि को भी सता रही थी, इसलिए वो महादेव की साधना कर रहे थे ताकि महादेव आए और डायनो का अंत करके मानव जाति को बचाया जा सके। ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सफल होते उससे पहले ही महाडायन ने एक सभा बुलाई और ऋषि मुनि के मकसद के बारे में सबको बताया और सभी डायन उस चीज से घबरा गए। तब महाडायन ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो बहुत बड़ा बदलाव था डायन समुदाय में। चित्रा तीसरी पेंटिंग में बने चांद की अलग अलग कलाओं पर हाथ फेरते हुए कहती है, जैसे चले आ रहा था उसे बदलना होगा। जिस तरह कभी भी इंसानों का शिकार कर दिया जाता है अब वैसा नहीं चलेगा। महाडायन ने दिन निर्धारित किए इंसानों के शिकार के दिन और उसके अनुसार अब से उसी दिन शिकार हुआ करेंगे, जिस दिन डायनो को सबसे ज्यादा शिकार की जरूरत होती है। और वो तीन दिन थे, पहला अमावस्या, दूसरा पूर्णिमा और तीसरा अष्टमी। यही तीन दिन चुने गए थे इंसानों के शिकार के लिए। सभी डायने महाडायन की बात मान भी गई, कैसे न मानती, वो महाडायन जो थी। बाकी सब भी डायने अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने महाडायन की बात नहीं मानी तो उनका महाडायन बनने का ख्वाब तो छोड़ो, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और रही महाडायन बनने की बात, तो उसका चयन शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर किया गया। उसके अलग मापदंड बनाए गए ताकि हजार साल बाद अगली महाडायन को भी चुना जा सके। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है जिसमें महाडायन को चुनने के अलग अलग मापदंड बने हुए थे। उसकी सोच एकदम सही जा रही थी, वो वही सोच समझ रही थी जो पेंटिंगों द्वारा बताने की कोशिश की गई थी। चित्रा झट से अगली पेंटिंग की तरफ देखने लग जाती है जिसमें महाडायन एक कमरे के अंदर थी और आईने में अपनी सूरत देखते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, जैसे उसे भी आईने में अपना चेहरा देखने में घिन आ रही हो। उसके चेहरे पर फोड़े फुंसी की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी। उसी पेंटिंग में आसमान में पूर्णिमा का चांद भी निकला हुआ था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही महाडायन के दर्द को महसूस कर लेती है और उस पेंटिंग का मतलब समझ जाती है। चित्रा हमदर्दी भरे लहजे में खुद से कहती है, लगता है महाडायन अपने रूप के कारण परेशान है और वो ये बात अच्छे से जानती है कि अगर उसने फिर किसी इंसान का शिकार किया तो वो और ज्यादा कुरूप हो जाएगी, इसलिए वो इंसानों के शिकार करना छोड़ रही है, चाहे उसके लिए उसे कमजोरी क्यों ना होना पड़े। तभी तो वो पूर्णिमा की रात शिकार पर ना जाकर अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर रो रही है, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि वो इंसान का शिकार न करे।
चित्रा अगली पेंटिंग देखने लग जाती है जिसमें 10 खूबसूरत डायने बनी हुई थी और उन डायनों की शादी हो रही थी। किसी डायन की पिशाच से शादी हो रही थी, तो किसी डायन की नर कुत्ते से, तो किसी की नर भेड़िए से। उसी पेंटिंग के बीचों बीच महाडायन भी थी जो मायूसी के साथ अकेले खड़ी हुई थी और अपने आसपास डायनों को अपने वरों के गले में माला पहनाते हुए देख रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को भी देखकर उसका मतलब समझ जाती है और झट से खुद से बोल पड़ती है, सभी डायनों की शादी हो रही है सिवाय महाडायन के। उसके रूप के कारण कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा है। वो भले ही महाडायन हो पर वो कुरूप थी और कुरूप स्त्रियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना प्रेमी ढूंढना। चित्रा अगली पेंटिंग देखने लग जाती है जिसमें कई सारी डायने खड़ी हुई थी, वो भी अपने अपने जोड़े के साथ, और सबसे आगे महाडायन खड़ी थी। उसके सामने ही जंगल की झाड़ियां नजर आ रही थी। महाडायन उन्हीं झाड़ियों की तरफ देख रही थी जैसे वो किसी की तलाश में निकल रही हो। चित्रा पेंटिंग में बनी महाडायन की आंखों में देखते ही समझ जाती है कि महाडायन किसकी तलाश में निकल रही थी, किस लिए वो सब कुछ छोड़कर जा रही थी। चित्रा झट से खुद से बोल पड़ती है, लगता है महाडायन अपने प्रेमी की तलाश में निकल रही है, वो इन सबको छोड़कर जा रही है जंगल की तरफ। अगली पेंटिंग में महाडायन जंगलों में भटक रही थी जिसमें दिन और रात एक साथ दिखाए गए थे। एक तरफ सूरज उग रहा था तो एक तरफ डूब रहा था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही समझ जाती है अपने सच्चे प्रेमी की तलाश करने के लिए महाडायन कई सालों तक जंगल में भटक रही है, दिन रात चल रही है। शिकार न करने के बाद भी वो कमजोर नहीं हो रही है क्योंकि वो अब महाडायन बन चुकी थी। उसके हरे हीरे में इतनी शक्ति थी कि उसे शिकार करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। वो बिना शिकार करे ही सालों तक ताकतवर रह सकती थी, पर उस हीरे की मदद से वो सौंदर्य रूप कभी नहीं पा सकती थी और ये बात वो भी अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वो अपने सच्चे प्रेमी की तलाश में निकली थी। चित्रा अभी तक एक एक पेंटिंग को बारी बारी बड़े आराम से देखे जा रही थी, पर जब वो अगली पेंटिंग को देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। वो बस उस पेंटिंग को देखते रह जाती है, ना कुछ बोल पाती है ना समझ पाती है। उस पेंटिंग पर से चित्रा की निगाहें हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा कोई सी ऐसी चीज देख रही थी जिसे या तो वो पहले भी देख चुकी थी या फिर उसके बारे में पहले भी सुन चुकी है। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये तो भक्षानर की तरह लग रहा है। भक्षानर की तरह लग क्या रहा है, यही भक्षानर है। अनुराग ने जो ड्राफ्ट लिखा था उसमें भक्षानर का हुलिया इसी तरह तो बताया गया था। वो बहुत ही ज्यादा बलशाली और ताकतवर था, और तो और वो भक्षानर पहली बार भी महाडायन से इसी तरह मिला था। उस कहानी के अनुसार उस पेंटिंग के अंदर भक्षानर घायल अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। वहीं पर महाडायन उसके पास बैठी हुई थी जैसे वो जांच रही हो कि भक्षानर जिंदा भी है या फिर वो मर गया है। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मतलब वो कहानी जो मुझे सुनाई गई थी और जो मैंने पढ़ी थी वो सच है, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा बताया गया है मुझे। चित्रा कुछ याद करते हुए बड़े आक्रोश के साथ कहती है, इससे आगे की कहानी मैं अच्छे से जानती हूँ। चित्रा सब कुछ समझते हुए खुद से कहती है, जब जंगलों में महाडायन अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही थी उसी वक्त महाडायन को भक्षानर घायल अवस्था में मिला होगा और फिर उसके बाद महाडायन ने ही भक्षानर को बचाया होगा। जब चित्रा की नजर अगली पेंटिंग पर पड़ती है तो वो देखती है कि उस पेंटिंग में महाडायन भक्षानर के साथ एक घर के बाहर खड़ी हुई थी और वो घर बाहर से ऐसा ही दिख रहा था जिस घर में इस वक्त वो मौजूद थी। चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वही घर है जिसके अंदर महाडायन और भक्षानर रहते थे। महाडायन भक्षानर को यहीं पर लेकर आई थी। चित्रा को याद आता है कि जब वो इस घर के अंदर छानबीन कर रही थी तो उसके हाथ में ओखली लगी थी। चित्रा समझ जाती है कि वो वही ओखली थी जिसके अंदर भक्षानर को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां कूटी गई होंगी। उस वक्त यूज किया हुआ सामान आज तक यहीं पर मौजूद था। अगले ही पल चित्रा को उस कुल्हाड़ी का ख्याल भी आ जाता है जिस पर उसकी नजर पहले ही पड़ चुकी थी। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अनुराग के ड्राफ्ट के अनुसार भक्षानर के बाजुओं के अलावा उसके पास अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार था तो वो उसकी कुल्हाड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो वो कुल्हाड़ी इस घर में देखी थी वो भक्षानर की ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से वो पहले सबके शिकार किया करता था। अगली पेंटिंग में महाडायन फिर से किसी इंसान का शिकार कर रही थी, पर इस बार शिकार करके खून वो खुद नहीं पी रही थी बल्कि अपने हाथों से भक्षानर को पिला रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए खुद से कहती है, महाडायन ने फिर से इंसानों के शिकार करना शुरू किए, वो भी सिर्फ भक्षानर को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि भक्षानर को जिंदा रहने के लिए मांस और खून की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
अगली कुछ पेंटिंगों में महाडायन को भक्षानर की देखभाल करते हुए दिखाया गया था। साथ में ये भी दिखाया गया था कि उनके बीच नजदीकियां बढ़ते जा रही थी और देखते ही देखते नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि महाडायन और भक्षानर को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। एक पेंटिंग में वो दोनों एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हुए दिखाए गए थे। एक पेंटिंग के अंदर महाडायन खुद थी जो इस दीवार पर बड़े प्यार से पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे महाडायन अपनी जान डाल रही हो दीवारों में जो सदियों तक उसकी दास्तां पेंटिंगों के जरिए बयान करने वाली थी। महाडायन बहुत खुश थी और ये खुशी पेंटिंगों में उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर ही साफ समझ आ रही थी। पर कुछ पेंटिंगों बाद ही देखते महाडायन के चेहरे की खुशी गायब होने लग जाती है। एक पेंटिंग के अंदर महाडायन बेड पर अकेले लेटी हुई थी और उसके दिमाग में भक्षानर का ख्याल चल रहा था जिसमें भक्षानर किसी दूसरी स्त्री के साथ निर्वस्त्र अवस्था में था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, मैंने भी यही सुना था कि भक्षानर का महाडायन के अलावा भी कई औरतों के साथ शारीरिक संबंध था, वो बस महाडायन को धोखे में रखे हुए था। अब बस आखिरी पेंटिंग बची हुई थी। उस पेंटिंग में भक्षानर सो रहा था और महाडायन उसकी नाभि पर काजल लगा रही थी। चित्रा उस आखिरी पेंटिंग को देखते हुए खुद से कहती है, ये क्या, इसके बाद कोई पेंटिंग क्यों नहीं बनी हुई है? इसके बाद क्या हुआ होगा महाडायन के साथ? महाडायन ने आगे की पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? चित्रा दीवार को देखते हुए यही सोचती रहती है और फिर खुद ही बोल पड़ती है, इसके बाद होना क्या होगा? काजल लगाने के बाद ही तो भक्षानर कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने गया था और कई सालों तक करते रहा, और जब कामेश्वरी यक्षिणी आई तो उसके आने के साथ ही उस रात महाडायन का अंत तो हुआ ही, साथ में उसके प्रेम का अंत भी हमेशा हमेशा के लिए हो गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।